इन कुंभक पद्धति, इन कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, इन योगा कलाचार, देर इज नथिंग कॉल्ड एज माइंड सेपरेटली, इट्स ऑलवेज शरीर, बोथ बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज शरीर। मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, लेट्स टेक एग्जाम्पल, ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक, अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए, ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक, इट बिकम्स डिफिकल्ट। 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा, एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं, यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर। तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे, सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट, इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट, नो इट इज नॉट डिफरेंट, ये अलग नहीं। So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के, हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं, and there is another aspect called vikriti, lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड, सर्टन एज, दे वेयर ऑफ, दिस इज वेयरिंग ऑफ इज कॉल्ड एज विकृति, एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रकृति, राइट? ये दो चीज हमेशा चल रही है, देर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज, ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, वी विल टेक एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ये दीज आर थिंग्स यू नो ऑलरेडी बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी, आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पर ध्यान नहीं जा रहा आपका। सो व्हेन देयर इज अ पोल्यूटेड एरिया, यू एंटर अ पोल्यूटेड एरिया, एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं, इफ यू वॉच योर ब्रेथ, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, व्हाट हैपेंस मोर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करते हैं आप, ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो, योर बॉडी डजंट वॉन्ट टू, अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है, You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more, आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके
जॉइंट्स घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है, रीजनरेशन नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. सो देयर इज एन इंबैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति. इसका बैलेंस होना चाहिए था मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति, अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, एंड देयर इज अ मेथड टू डू इट. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, व्हाट यू डू? समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मार रहा है, यू फील डैमेज ना, यू थिंक देयर विल बी अ डैमेज. व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? यस और नो? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. व्हाट एवर आई एम सेइंग, यू नो इट ऑलरेडी. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देर आर सर्टन सीन्स दैट यू डोंट वॉन्ट टू वॉच, देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पर. एक बच्चे को देखो, सी अ किड, द किड विल close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the five senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखियो, देखिए, आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस विकृति? देर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति. अष्टांग चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति. सो देन नेक्स्ट थिंग, व्हेन देर इज अ रीजनरेशन, कोई नई चीज पैदा हो रही है, सो इट विल एक्सपैंड, इजंट इट? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है, देर इज अ लिटिल इन्फेंट विच गेट्स बॉर्न एंड देन द इन्फेंट एक्सपैंड, इजंट इट? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक shoulder में joint problem आएगी ना. So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you'll get a problem. न्यूरो मस्क्यूलो स्केलेटल प्रॉब्लम. अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन, स्किन ढीली हो जाती है ना, स्किन बिकम्स फ्लैबी व्हेन देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन, यू गेट स्ट्रेच मार्क्स, इजंट इट? यू नो व्हाट इज स्ट्रेच मार्क? यू गेट स्ट्रेच मार्क बिकॉज देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, एट मसल्स एट जॉइंट्स. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिस अलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट. कितने लोग सीधा बैठते हैं? यू ऑलवेज टेक अ बैक रेस्ट, इजंट इट?
So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. Or aapki joint problem disalignment ki wajah se bhi ho sakti. There are three basic disalignment that happens in the body. Teen basic disalignment hai. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. Aapki chhati disalign ho sakti hai. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. Aapke jaanghe disalign ho sakti hai. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. Aajkal diabetes bahut ho raha na? Aajkal diabetes bahut ho raha. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? Aap kya kar rahe hain isko balance karne ke liye? So ek kaam kar rahe hain, let's see how do we balance. Hum balance kaise karte hain dekhen zara. Apne daaye haath ko pakad le, hold your right hand over the top and try to pull it, khichne ki koshish kare. Just pull on the left side, bayi taraf khichne ki koshish kare. When you pull, what do you do? Ye zor lagane ke liye aap kya karte hain? You hold your breath, yes or no? Saans roki aapne? Even if you have to align yourself, what is the basic key? Wo kunji kya hai? Wo chabi kya hai? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you'll feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. यू लूज एक्सेस ऑफ वेट. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. सो संख्या शरीर, दिस इज द सेकेंड फैक्टर. नाउ अगेन इफ यू हैव टू अलाइन और संख्या, इफ यू हैव टू करेक्ट द संख्या, यू हैव टू यूज कुंभक. नाउ लेट्स गो, लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, प्रमाण. नाउ वन मोर थिंग इन संख्या, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. Agar aapko tarika pata hai na, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. Agar ye tarika pata hai na, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. Ek thoda committed atmosphere chahiye hota uske liye. That is why we teach it in the class. Hum class mein sikhate. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. Chauthe pe aage hum, pramana. Pramana means density. Iska matlab hota hai density, gurutva, bhar, density. Isi ko dhatu bhi kehte hai. We call it dhatu. There are different types of tissue in your body, isn't it? Aapke sharir mein alag alag tarike ke koshikaye hain. Like bone is very much dense. Haddi jo hai, wo bahut bhari hoti. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में, एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapta Dhatu. Seven different density tissue ki hai aapke sharir. There are seven different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakt, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are seven densities. Ye alag alag bhar ke tissues hain. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. Aapke andar jitne bhi organs hai, heart, liver, lungs, kidney,
ये जितने भी ऑर्गन्स है ना इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियास इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. व्हाट इज हाइपोथायरॉइडिज्म? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, है ना. इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना. ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देर इज अ ज्वाइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में ज्वाइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देर इज नो मेडिसिन. देर के नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो bodybuilders, वो heart attack आ रहा है. Exercise cannot rejuvenate your organ. Exercise से आपका heart strong नहीं होने वाला. So how will it happen? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक experiment करें. Now keep your left palm like this. अपने बाएं हाथ एलू को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. Zor se dhakka dijiye apne baayi hatheli ko. Push kijiye. Zor se push kijiye. How do you create this strength of pushing? Ye jo shakti aap create kar rahe hain, jo strength paida kar rahe hain dhakka dene ka, kaise kar rahe hain? You are holding your breath. You are holding your breath behind. Karke dekhiye dobara. Again, do it. Do it again. See? Push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and you, when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के muscle में trigger चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, bodybuilding ऐसा ही होता है ना. This is what, how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. आप बाहरी दिशा नहीं दे रहे. तो कहां जाएगा ये? Direction कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके heart beat से हो जाएगी ना? गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? Iske alawa koi chara nahi hai. Dekh lijiye. How you made one hand more stronger than the other? Ek haath kaise aapka zyada taakatwar ho gaya dusre se? Because you worked with that hand more, isn't it? Aapne us haath se zyada kaam kiya. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can make rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. Theek hai?
तो और दूसरा तरीका, देयर इज नो नो मेडिसिन फॉर दैट, कोई दवाई नहीं है उसके लिए, एंड देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन, उसको दवाई बन नहीं सकती. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडीज ऑर्गन इज गेटिंग वीक, नॉट इवन पीपल लाइक यू, फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो, छोटे बच्चों के भी ऑर्गन वीक हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदर अंदरूनी काम किया जाए. इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क इनसाइड एंड रिजुवनेट योर ऑर्गन, मेक योर ऑर्गन स्ट्रॉन्ग. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट विच इज मर्म. योर ऑर्गन, मसल्स, बोन्स, दे ऑल वर्क टूगेदर, इजंट इट? आपका हार्ट, आपके मसल्स, योर मसल्स, योर नर्वस सिस्टम, मसल्स, बोन्स, दे ऑल वर्क टूगेदर. इफ यू टेक आउट हार्ट, यू विल नॉट बी एबल टू मूव, यू विल नॉट बी एबल टू लिव. इफ यू टेक आउट लिवर, यू विल नॉट बी एबल टू लिव. सो दे ऑल वर्क टूगेदर. सो देर आर जंक्शंस, ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. देर आर जंक्शंस, मसल एंड नर्व जंक्शन, मसल एंड बोन जंक्शन, टू बोन्स एंड देर इज अ जंक्शन. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्म. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनसे इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली कीप मेक द मूव इन अ पर्टिकुलर वे कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. इफ योर मर्मा आर नॉट फंक्शनिंग, देर आर टू काइंड ऑफ सर्कुलेटरी मूवमेंट इन योर बॉडी. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन. ऐसे मान के चलिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, देर आर टिश्यूज एंड सेल्स, आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. Tact se awaaz aayegi na. Kya hua? Gases release. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. Wo bina movement ke nahi hoga. Blood circulation can happen without movement. Because there is a pumping organ. Ek heart hai jo blood circulation karwa raha hai. Lymph ka koi circulation nahi karwa raha. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment saaf banega aapka, tabhi there will be prakriti, new cellular form, better cellular formation. Agar wo environment theek nahi hoga, to wrong cellular formation called, and this is called as cancer. Galat cell bante hai to cancer kehte hai na usi ko. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देर शुड बी कॉन्स्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, देर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंग न्यास एंड मर्म विन्यास, विच एक्चुअली वर्क्स अपॉन, देर इज अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर वे विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रीदिंग. इट्स अ पार्ट ऑफ अष्टांग चिकित्सा. नाउ गो अ लिटिल फर्दर. नाउ एवरीथिंग इज रेडी फॉर फंक्शनिंग. ना tissues, organ, joint, marma, sab kuch tayar ho gaya. Now you function, you live your life, you do movements, you do function. Kaam hota hai na? So function, there are three things which are attached to function. Teen cheeze hai function ke saath mein judi. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. Isi ko kehte hain kapha, pitta, vata. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. सो एवरीबडी इज एजुकेटेड.
You know, at least you must have heard of this word called Vata Pitta Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea, but material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. Vata dosh zyadatar problem ke saath mein juda hua hai. So what is your joint problem? What is it called as? Vata dosh. Right? Movement ko aap control kaise karte hain? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? Agar aap aise aise tezi se haath hilaye, dekhiye piche, apne piche dekhiye. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. Apni saanson ko ek tarike se chalate hain iske liye. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So vata dosh se bahar aana hai to kya karna padega? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. Kumbhak karna padega ki nahi karna padega? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, usse kya hoga? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. Kya aapka ghutna theek ho jayega? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. Koi aur chara hai nahi. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. Keval ek extent sa hi kar sakte hain. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem. Usually, kehte hain neuro problem. Somebody was talking about... So, what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy. Hai na? Ye cheez aapne suna hoga. You must have heard of these things. So, neuropathy happens, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is neuro degeneration, degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, which for which there is no solution. Koi solution hai nahi. So I'll tell you some examples. Main aapko kuch example batata hun. So there was a person who was suffering from paralysis. A 65 year old professor of Delhi University. Or some associate at Delhi University ka koi college hai usme. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady. A lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon sab band ho gaya. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. Aankhe padakti rehti hain, muscles hilte rehte hain. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak and in 3 months' time, he reported that it's gone
मैक्सिमम लाइक इट्स गॉन अबाउट 80 to 85% गॉन. अनदर पर्सन हु वॉज नॉट एबल टू स्पीक फॉर मोर देन 2-3 words, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, उसका वॉइस बॉक्स रिलेटेड इश्यू था. इट इज ऑल्सो अ न्यूरो ओरिजिन. सो ही स्टार्टेड कुंभक इन 4 to 5 months टाइम. ही सेड आई कैन टॉक फॉर लॉन्ग नाउ, मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of their the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis and neuropathy. You can actually revive, your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as Samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body, how much your body has potential, in what direction, in what vertical. It is your genetics, isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics. Changeable genetics, variable genetics, you can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. Now, if the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Srishti Sharira. Eighth Sharira is Srishti Sharira. Srishti means what? In which you are sunk. Like Srishti for a fish is the sea. Ek machli ke liye samudra Srishti hai. So the water around her is Srishti for her. So for human being, the cosmos, ye Brahmand is Srishti. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere ka pressure hai na aapke upar. Uske bavajood bhi aap move karte hain, chalte hain, sab kuch karte hain. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं?
एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है, यू डोंट इवन नो नोटिस, बट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी. सपोज कीजिए आपके अंदर दिस फोर्स बिकम्स वीक इनसाइड यू, ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी, आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे, विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी, ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा आपके जॉइंट पे? इट विल इंपैक्ट द जॉइंट, यस और नो? दिस हेवीनेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, STRESS. यू टॉक अबाउट स्ट्रेस बट आपको मालूम नहीं है स्ट्रेस क्या है. यू थिंक सिचुएशन क्रिएट स्ट्रेस? नो. पुट 10 पीपल इन द सेम सिचुएशन, 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So, are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So, I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड उदाना इन कुंभक कलाचार, इन कुंभक विज्ञान वी कॉल इट उदाना, इसको हम उदान कहते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने, उड़ना, उड़ान. दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना, दैट मींस ऑपोजिट टू ग्रेविटी फोर्स. देर आर 84 फोर्सेस विच यू आर स्ट्रगलिंग एवरी मोमेंट फ्रॉम थ्रू. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. योर ऑर्गन फंक्शन अकॉर्डिंग टू दीज फोर्सेस. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in prana shakti diagnosis. यही prana shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 hafte tak aap ek module seekhte hain. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. Ye 8 cheezon ka wo dhyan rakhta hai. 3 cheeze hain. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hathavinyasa. The third one is called as Kumbhak Therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex, Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti, and it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. Koi magic dawai nahi ban sakti sharir ke liye. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, not never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this body is magical. Let me give you this guarantee. Ye sharir bahut magical hai. Ye theek karta apne aapko. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. Ye khud ko theek karta. Aap mauka de isko. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important
wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यू विल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव. नॉट ओनली योर हेल्थ, द हेल्थ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विल इंप्रूव. सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी फोकस ऑन दिस ब्यूटिफुल सिस्टम दैट वी हैव बीन गिवन और गिफ्टेड विथ एंड transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूँगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you for listening to Swamiji patiently. Now, we'll share the program details, a complete 9-week program, what are the dates and classes and everything. And after that, we'll invite some participants from our previous batches to share their experience and how Ashtang Chikitsa has helped them in their conditions. Just give me a few seconds so that I can share my screen. Please type yes if you can see my screen. Okay. Thank you, Neha. Thank you. Okay, so let's get to understand the program details because a lot of people must be waiting for it. Kafi log intezar kar rahe honge program ke details janne ke liye. First of all, this is a guided program which is conducted online by trained Kumbhak mentors. Just like you are attending this webinar on the Zoom app, in the same way the classes will be conducted. जैसा कि आप अभी इस समय जो Zoom के ऊपर ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसी तरीके से ये क्लासेस होती हैं ऑनलाइन. ये तो पहली बात हुई. देन देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम. एज स्वामी जी टॉक्ड इन द वीडियो आल्सो, स्वामी जी ने भी बताया है वीडियो में, 3 मॉड्यूल्स हैं, वात पित्त एंड कफ, और मॉड्यूल 1, 2, and 3. ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल इज 21 डेज और 3 वीक्स. So 3 weeks into 3 modules makes it a 9-week program. 3 हफ्ते का एक मॉड्यूल रहता है, तो इस तरीके से 3 मॉड्यूल का हुआ 9 हफ्ते. Total duration of the program is 63 days. But if you see here, in I've added one more class, 9 plus 1 week. So why 1 week extra? We'll get to understand. एक हफ्ता इसमें जुड़ गया है. ये क्यों हुआ ऐसे? उसका भी हम उसके बारे में भी जानेंगे. देयर विल बी 2 लाइव क्लासेस एवरी वीक, आउट ऑफ विच 1 इज कॉल्ड द लर्निंग और द मेन क्लास एंड द सेकंड 1 इज कॉल्ड द मेंटरिंग और द प्रैक्टिस क्लास. हर हफ्ते 2 क्लास होंगी, एक मेन क्लास कहलाती है और दूसरी प्रैक्टिस क्लास कहलाती है या मेंटरिंग क्लास कहलाती है. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? आगे आप क्या कर सकते हैं? यू पे द प्रोग्राम फी एंड देयर इज अ स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग फॉर पीपल हु आर अटेंडिंग द वेबिनार लाइव राइट नाउ. Then you fill the participant onboarding form so that we can create login credential for course access. What is this course access? We'll get to understand shortly. And after that, you start your classes starting with module 1 or the Vath module. After completing it, you'll be going to the next module. And after completing that one also, the third module. इस तरीके से आपने एक-एक करके तीनों modules को complete करना है. All 3 modules make up the whole program. There's no choice to choose any because all 3 have to be done. आगे बढ़ते हैं. Again, module 1 has 6 classes, module 2 has 6 classes, module 3 has 6 classes. So 6 classes into 3 modules makes it a 18 class program. Now you see that there's extra classes also. Apart from this learning class, there'll be a customization class and the review class. So what is this customization? We'll get to know about it also.
सो टोटल एंगेजमेंट बिकम्स 10 वीक्स इंस्टेड ऑफ द 9 वीक्स. सो 9 हफ्ते की जगह आपका जो हमारे साथ एंगेजमेंट रहेगा वो 10 हफ्ते का रहेगा. बैच 169 इज स्टार्टिंग ऑन 15 जनवरी मंडे एट 6 PM. हमारा 169वां बैच शुरू होगा 15 जनवरी को सोमवार के दिन शाम 6 बजे. और एक मॉर्निंग बैच है जो वीकेंड बैच भी है, ये सैटरडे संडे होता है, ये 27 जनवरी को होगा. ये दो इवनिंग और मॉर्निंग बैचेस हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना बैच चूज कर सकते हैं. व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? कैसा अनुभव रहता है क्लास में? दीज आर लाइव सेशंस एज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ. मेंटर्स वॉच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सो दिस इज द रीजन यू हैव टू कीप योर कैमरा स्विच्ड ऑन ड्यूरिंग द क्लासेस सो दैट द मेंटर्स कैन वॉच यू एंड गिव यू फीडबैक अबाउट हाउ यू आर डूइंग योर क्रियाज. आपको अपना कैमरा ऑन रखना होता है क्लास के दौरान ताकि हमारे मेंटर्स आपको देख सके और अगर आप क्रियाएं ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो आपको वो बता सके. देन देल बी रिटन इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड हिंदी. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलते हैं. सेशन रिकॉर्डिंग्स, व्हाट आर दी सेशन रिकॉर्डिंग्स? दीज आर रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव क्लासेस. ऑल द क्लासेज आर रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड टू योर क्लास कोर्स डैशबोर्ड विच यू कैन वॉच लेटर ऑन. आप ये रिकॉर्डिंग बाद में भी देख पाएंगे. एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप सभी पुरानी क्लासेस की जितनी भी क्लास हुई है वो रिकॉर्डिंग देख पाएंगे. देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग लाइक मेंटल प्रैक्टिसेस, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव. माइंड यू दिस इज नॉट अ डाइट प्लान. यू विल गेट अ वीडियो फ्रॉम स्वामी जी इन विच ही टेल्स यू हाउ टू यूज फूड इन अ इन अ इन अ वे दैट इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड नॉट हार्म इट. खाने को इस्तेमाल कैसे करना है ये हम सभी जानते थे पहले, लेकिन आजकल भूल चुके हैं बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं सभी. बट हम हेल्थ किस तरीके से खाने को इस्तेमाल करना है वो भूलते जा रहे हैं. तो एक वीडियो मिलता है स्वामी जी के, इसमें कोई डायट्री रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कोई परहेज नहीं होता है. देर आर नो डायट्री रिस्ट्रिक्शंस इन दिस प्रोग्राम, ओनली अ डायट पर्सपेक्टिव विल बी गिवन. Then there'll be simple detox processes and during the course of your 10 weeks, a lot of knowledge will be shared with all of you. And before I share the details further, it's very important to know who this program is not for. ये भी जानना जरूरी है किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके कि किन लोगों के लिए है. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Swami ji, मैजिक पिल की बहुत बात करते हैं कि कोई जादू की दवाई ऐसी मिल जाए, ये हम काफी लोग सोचने लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और अगर ऐसा कुछ था कि आप कोई दवाई की तलाश में हैं तो इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता. और एकदम से आप कल ही रिजल्ट चाहिए ऐसा भी नहीं है. सी द प्रॉब्लम दैट यू आर इनटू, द हेल्थ इश्यूज दैट यू हैव, दे डिड नॉट कम ओवरनाइट. So these will not go overnight also. That we have to understand. जो problem जो आपको है, जो health issues हैं, वो रातों रात तो आए नहीं थे, तो रातों रात जाएंगे मैं नहीं. ये हमें समझना है. आगे बढ़ते हैं. This is not for those who are not ready to work on their body. ये program उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने को तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि हर दिन आपको लगभग 80 से 90 मिनट चाहिए होंगे क्रियाओं को करने के लिए. एवरी डे यू विल बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 80 टू 90 मिनट्स टू डू योर डेली कुंभक क्रियाज. इफ यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अ टाइम देन दिस थेरेपी इज नॉट फॉर यू एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इंपेशेंट. वी अंडरस्टैंड वेन यू आर इनटू पेन, वेन यू आर इनटू अ क्रॉनिक एलमेंट, द पेशेंस गोज डाउन. बट स्टिल फ्रॉम आवर साइड वी हैव टू से यू विल हैव टू बी पेशेंट. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. This is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Why this point is important? Because all of you must have seen an ad on Facebook or Instagram where we say that it's a free introductory webinar. Now, many people misunderstand that the therapy, the online therapy for 9 weeks is free. The webinar that you are attending right now is free because it's an introduction to अष्टांग चिकित्सा. काफी लोग ये समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट फ्री है क्योंकि हम जो ऐड देते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उसमें कहा जाता है फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं. लेकिन काफी लोग इसको गलत समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि फ्री ट्रीटमेंट है. और जब हम फीस की बात करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है.
So just to clarify that the webinar is free, the treatment is not free because it has to be done under supervision. ये expert की supervision में किया जाता है program, इसीलिए ये free नहीं है. और अगर आप tips के लिए भी ये join कर रहे हैं तो भी नहीं है, because आप देखेंगे कि हम tips तो share कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तो कोई भी permanent solution tips के basis पर नहीं होता है. You can't attain a permanent solution or long term solution just through some tips only. Otherwise, there are thousands of videos, thousands of tips on YouTube, but still problems are there, right? So that we have to understand. Now, what all you get in the program, let's discuss this. Aapko milta kya hai program mein, uski baat karte hain. Pranshakti diagnosis for root cause determination. This is one of its kind diagnosis, and it's an online diagnosis, and it's a non-medical diagnosis. Now, both the things may sound very strange to you. ये एक तो नॉन मेडिकल डायग्नोसिस होता है और ऑनलाइन डायग्नोसिस होता है. दोनों ही बातें आपको अजीब सी लगी होंगी शायद, क्योंकि हम कभी, हमें आदत हो चुकी होती है कहीं भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, यूरिन का सैंपल, ब्लड का सैंपल, कोई स्कैंस होते हैं, एक्सरेज होते हैं, एमआरआई, पता नहीं क्या क्या होता है. तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है. तो हाउ दिस इज डन ऑनलाइन एंड वॉट एग्जैक्टली दिस इज, लेट मी एक्सप्लेन. मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये होता कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गेट अन ऑनलाइन फॉर्म एंड यू विल बी आस्क्ड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर ब्रेथ एंड इमोशंस. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको एक्सपेरिमेंट्स करने को कहा जाएगा अपनी सांस के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर, और वो नोट करना होगा फॉर्म में, दैट यू विल हैव टू नोट इन द फॉर्म. सेकेंड, यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट ऑल योर हेल्थ इश्यूज इन दिस फॉर्म. आपको जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इस फॉर्म में लिखना होगा. ये दूसरी बात हुई. थर्ड, यू विल बी अपलोडिंग अ सेल्फी फोटोग्राफ शोल्डर एंड अबव इन विच द फेस शुड शो वेरी क्लियरली, बट देर हैव टू बी नो स्पेक्स ऑन द आईज एंड इन केस ऑफ लेडीज नो मेकअप ऑल्सो. इसी जो चीज आपको करनी होगी, एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी शोल्डर एंड अबव, लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो और लेडीज के केस में मेकअप भी ना हो. वेन दीज थ्री थिंग्स नीड्स स्वामी जी, ही इज एबल टू डिटर्मिन the weak forces. If you remember in the video he talks about the 84 forces, so which force has become weak due to which you have landed in your current health issues, that he is able to find through pran shakti diagnosis. jab ye teen cheeze jab aap pran shakti diagnosis form bhar dete hain aur jo maine teen cheeze batayi jo aap usme dalte hain, likhte hain, upload karte hain, उसके थ्रू स्वामी जी पता कर पाते हैं कि 84 शक्तियां जो हैं शरीर में, उनमें से कौन सी शक्ति कमजोर हो गई है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए. ये एक अपने आप में अद्भुत एक डायग्नोसिस है, और इसका इस्तेमाल होता है आपकी कस्टमाइजेशन के लिए, जिसकी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में. देन सेकंड पॉइंट इज अबाउट वीकली वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट. हर हफ्ते दो एक क्लास होगी जो मेन क्लास कहलाती है, ये 60 से 90 मिनट की रहेगी. देन वीकली वन प्रैक्टिस क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स. हर हफ्ते एक प्रैक्टिस क्लास होगी, सो वीकली दो क्लास हो जाती हैं. एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लाइव क्लासेस. आप जैसे मैंने बताया कि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है, सभी रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देते हैं आपके कोर्स डैशबोर्ड में. आप लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, आप पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग देख पाएंगे. वीडियो द फॉल क्रियाज डन इन द क्लास. How this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration, 90 minutes. But these will be small videos of each kriya. Some video may take for 2 minutes to watch, some may take 5 minutes, 10 minutes. So you don't have to watch the 90 minutes of the whole class recording just to see how a particular kriya is done. ये छोटे छोटे वीडियोस होंगे हर क्रिया के, तो आपको पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कोई एक क्रिया कैसे की जाती है. राइट, आगे बढ़ते हैं. Written instructions in English and Hindi. Hindi English दोनों में लिखित निर्देश मिलते हैं. These you can be downloaded and you can even print them out to refer to when you are doing your daily kriyas. Then private WhatsApp group to ask your doubts and questions in 6 days a week. On Sundays there are no classes and our mentors will also be on their weekly off. So you get daily support for 6 days inside this WhatsApp group. As I told you, you'll be live with us 2 days of the week. जैसे मैंने बताया, आप 2 हफ्ते में 2 दिन तो हमारे साथ लाइव रहेंगे.
the remaining days of the week when you're practicing on your own. And if you have any doubt or question, then this is the place that you'll be asking your doubts and questions in. Our mentors are there in this group only. So they'll be answering all your questions, they'll be clarifying your doubts, and they'll be guiding you step by step. हमारे जो मेंटर्स हैं वो इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, तो आपका कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, इस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर की जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा. देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड फीडबैक. एवरी वीक यू विल गेट अ फॉर्म एंड यू विल बी रिपोर्टिंग अबाउट योर प्रोग्रेस. इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. Then therapy customization for each participant in the 10th week. Please pay special attention to this. If you remember, in the first point, I talked about Pran Shakti diagnosis. Now, based on the diagnosis, every participant's therapy will be fine-tuned and customized in the 10th week. जो प्राण शक्ति डायग्नोसिस होगा, जिससे स्वामी जी पता कर पाते हैं कौन सी फोर्स वीक हो गई है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए हैं, उसके आधार पर आपकी क्रियाओं को फाइन ट्यून करेंगे स्वामी जी, आपकी क्रियाओं को कस्टमाइज करेंगे. ये सबके लिए फिर अलग अलग होगा, लेकिन ये 10वें हफ्ते में होगा. अब एक सवाल उठता है कि अगर डायग्नोसिस फर्स्ट वीक में है तो 10वें हफ्ते में क्यों कस्टमाइज कर रहे हैं, पहले ही हफ्ते में ना कर दे. अ क्वेश्चन में अराइज दैट इफ द डायग्नोसिस इज डन इन द फर्स्ट वीक, व्हाई द कस्टमाइजेशन इज बीइंग डन इन द 10th वीक, राइट? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. The body is first prepared to receive this customization. पहले शरीर को तैयार किया जाता है ये customization को receive करने के लिए. So what exactly happens in the 9 weeks then? तो फिर होता क्या है 9 हफ्ते में? Primarily three main things happen. First, you'll be taught controlled exhalation. आपको controlled exhalation सिखाया जाएगा, which is the basis of Kumbhak therapy. And this is the reason you'll be advised not to do any kriya like kapalbhati, which involves forced exhalation. आपको ऐसी क्रियाओं को करने से मना किया जाएगा जिन क्रियाओं में आप बड़ी जोर से सांस छोड़ते हैं, जैसे कपालभाति एक क्रिया है, क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन सिखा रहे हैं, और कपालभाति है इस तरीके की जो और क्रियाएं हैं जिसमें बहुत तेजी से आप सांस छोड़ते हैं, वो आपको मना की जाएगी. ये हुई पहली बात. दूसरा, वात पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस थ्रू कुंभक. शरीर का वात पित्त और कफ बैलेंस किया जाता है, ये दूसरी मेन चीज होती है 9 हफ्ते में. एंड थर्ड, देयर बी अलाइनमेंट ऑफ, लाइक स्वामी जी टॉक्ड इन द वीडियो आल्सो अबाउट 3 basic अलाइनमेंट्स, इनर थाइज, नेवल एंड द चेस्ट. ये 3 अलाइनमेंट्स होती है, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट्स होती है शरीर की, वो किया जाता है, वो स्पेशल मूवमेंट्स रहेंगी कुंभक क्रियाओं के साथ. ये जब 3 चीजें प्राइमरीली कर लेते हैं 9 हफ्ते में, अब आपका शरीर तैयार हो जाएगा ये कस्टमाइज क्रियाओं को ग्रहण करने के लिए. नाउ द बॉडी इज रेडी टू रिसीव दिस कस्टमाइजेशन, देयरफॉर दिस इज डन इन द 10th वीक द कस्टमाइजेशन, राइट? 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर विल बी एक्स्ट्रा फ्री सपोर्ट फॉर 7 days आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर. व्हाई वी डू दिस? बिकॉज मेनी टाइम्स देयर आर स्टिल डाउट्स रिमेनिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यू स्टिल हैव 7 days आफ्टर द 10 वीक्स आर ओवर to sort out all your doubts and questions. Okay, and now what is the course fees? A lot of you may be wanting to know about the fee. Kafi log fees ke liye intezar kar rahe honge. Ek baat jaldi se jaan lete hain ki kis tarike ka kharcha shayad aap kar rahe honge apni problems ko manage karne ke liye, cure karne ke liye, manage karne ke liye. These are yearly expenses. A lot of people may be spending between 6,000 to 12,000 every year on doctor's fee and all. If you're into physiotherapy, 12,000 to 30,000 may be going towards that also. And medicines may be costing another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year, you may already be spending just to manage your problems. And we know the side effects of allopathic treatment, so we will not talk about that here so much. Why did I share this? Because when I announce the fee, that will be so reasonable, and because we like to compare things, be it a therapy, a product or whatever. So the therapy has been made very affordable so that most of the people will be able to take advantage of this. What is the program fee? 14,500. This fee is chargeable from non-webinar participants. If people apart from this webinar who are participating in this webinar, if they enroll, they'll be enrolling at this
price. But because in the webinar, we get a lot of participants enrolling into the program, so we can pass on a bulk discount, a group discount, everybody who's attending the live webinar. What is that special webinar pricing? Just 6,500 only. And this is valid till 13th January, till Saturday, 12:30 p.m. because there are limited seats, so we cannot offer it more than a limited number of people. So anybody can take advantage. And now how to enroll? These are the five steps. You pay the program fee, then you post your payment receipt in the WhatsApp group. Now, pehla jo step hai, wo program fee pay karte hain. Phir apni jo receipt hai, usko WhatsApp group mein share karte hain. Then you'll be getting a participant onboarding form, which Neha from our team will be sending you. Then you'll be filling up that form. And then you join the class WhatsApp group, where you will get daily support, which I talked about just now. And then step five is to start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa, simple five-step process. Payment methods, kya kya hain? These are the payment methods, debit card, credit card, net banking, any method that you normally use, you can pay through that. Bank transfer, even you can go and deposit cash in the bank also. For international payments, we have credit card and PayPal. Now, this is the last slide of my presentation, because soon after this, we'll be having some previous participants to share their experience with us. This is the super team which will be at your service, and this super team title has been given to us by our participant. Ye title humne apne aapko nahi diya hai, kyunki the kind of support, the kind of hand holding that they get inside the program, that's why they've called us a super team. We have Rachna Shivalbothra, she's the program director of Ashtanga Chikitsa. Then we have Shalini Bhagwat, she's the class manager. She's the person who assigns batches, mentors. She takes care of all the batches happening at the same time. Then Ashwini Kumar is the IT manager. Neha Upadhyay, she is the enrollment HR. She is the person you'll be talking to the most before starting your classes. Neha aapko aapki payment ko confirm karengi, aapko personal chat per links bhejengi, taki aap class group join karein. So then ek puri team hai mentors ki. Ranjana, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi, Surya Pratap, Vibha. A lot of mentors are there. Why so many mentors are required? Because it's an online program. So in an online program, things are a bit difficult at times and different also. So we need to pay attention to each and every participant. Hence, so many mentors are required. Then WhatsApp admin, Anil Johan, that's me. I'll be answering all your questions in the WhatsApp. Now, very soon at 7:30, Swamiji will be live with us to answer all your questions. But due to shortage of time, he may not be able to answer all the questions. So if your question is not taken or answered, please do not worry about it at all. Just post your question in the WhatsApp group and we'll answer each and every questions. Then technical Himanshu Reddy, he's the person who uploads the videos to your course dashboard, the written instructions. He helps you install the app. So if there's any technical issue, he'll be helping each and every participant. Then there's a special four-person team who give personal support. Anita, Ankana, Kavita, and Usha. What did they do? They'll call each and every participant on the phone to inquire how your program is going on. If you're facing any problem, if you're understanding everything or not, if there's some confusion. So they'll be calling on the phone. So there's a proper team in place, a proper system is in place, so that you can complete this online program, because normally online programs are a bit difficult, because not much support is there, but we have put in a lot of support and a full team is there to support all of you. And with this, we come to the end of this part of the presentation. I'll just check if our previous participants have joined so that they can share their experience with all of you. We have Sunita Bhatt, ma'am. Yes, ma'am, welcome. Maine aapko unmute kar diya hai. Okay, thank you. Namaste. Yes. Meri awaaz sunai de rahi hai, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you and Namaste. Welcome. And we would like to share how you found Ashtanga Chikitsa, aapke kya kya doubts the, aur phir kaisa experience raha. Ye sab please aap share kijiye, aur kya problems thi aapko, aur ab aapki kya condition hai. Ye short mein bataein taki hum Swami ji ke question ke liye taiyar ho paaye. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ
मैं सुनीता भट्ट कारवार से हूँ। मेरी प्रॉब्लम थी नी पेन। 10 साल से मैं बहुत नी पेन से सफर कर रही थी। बहुत इलाज किए मैंने, मुझे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ रहा था। ये फिजियोथेरेपी ये वो सब चल रहा था। एक दिन मुझे ये सर अष्टांग चिकित्सा के बारे में पता चला, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वेबिनार जो है आपका ज्वाइन किया लास्ट 1 मंथ पहले, मतलब मेरे 4 वीक पूरे हुए हैं। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है ना कि मैं खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ, जो कि 2 साल से मैं बहुत वीक हो रही थी खुद पे, क्योंकि कुछ करने का मन नहीं था, नींद नहीं आना, ये बहुत सारे डिप्रेशन में अपने आप अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था मुझे, जो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन जो 1 वीक 2 वीक के बाद मुझे, पहले मैंने ठीक से समझा, बार बार पूछा, मेंटर्स भी बहुत अच्छे हैं, लड़कियां जैसे बच्चे जैसे बार बार सवाल करते हैं या एक ही सवाल 10 बार बोलते हैं, इस तरह से हम पूछते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते हैं। कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम घर जैसा माहौल हमें देते हैं वो, तो बहुत अच्छा लगा। और उनसे समझ के जो हम कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं थैंक यू करूंगी गुरुजी से और उनके मेंटर्स को, इस टीम को मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे इतने सालों से जो नहीं मिला वो मिल रहा है, कि अंदर से खुशी महसूस हो रही है कुछ करने के लिए। एक बार सुबह आंख खोली तो पूरा दिन मेरा इतना अच्छे से गुजरता है ना, कि नहीं मुझे कुछ करना है, ये रह गया, ये करूँ ये करूँ, तो खुद एनर्जेटिक फील हो रहा है। अभी रिजल्ट तो, अभी पैरों का दर्द तो 10-12 साल से जो चल रहा है वो एकदम से तो नहीं जाएगा, ये तो मुझे पता है। तो अभी एक कुछ मिल गया ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं ये अगर कंटिन्यू करती हूँ, आप इन सब की बातें मानकर, अगर जो मैं रेगुलर अगर इसमें ध्यान देती हूँ और अपने अंदर जो जो पावर है उसका भी यूज करके मैं ये करती हूँ, तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बात पे, आप इस पे आप करो और खुद महसूस करो, ये बताने वाली बात ही नहीं है, खुद को महसूस होती है। जो खुशी मुझे हुए, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों को जो मेरी तरह से जो तकलीफें झेल रही है उन सबको ये अच्छे से और खुद के पैरों पे, या खुद डिपेंडेबल ना रहे किसी के ऊपर, ऐसा होए मैं चाहती हूँ। और थैंक यू, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता मैम कि आप आए और अपना समय दिया और सभी के साथ अपना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और अभी हम हमारे सेकेंड एक और पार्टिसिपेंट हैं और उसके तुरंत बाद स्वामी जी लाइव आने वाले हैं। सतबीर कौर मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और कैमरा ऑन कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हाँ नमस्कार जी, मैं सतबीर बोल रही हूँ नमस्कार चंडीगढ़ मैम। से। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं ना बहुत 2 साल से मैं बैक पेन से बहुत परेशान थी। लोअर बैक पेन और लेफ्ट लेग में बहुत पेन जा रही थी। तो मैंने, जैसे सब बताते हैं कि सब सारे एक्सपीरियंस करने के बाद ही आते हैं, सारे थेरेपीज में पूरा पैसा खर्चने के बाद ही इधर आते हैं, तो मैं भी तभी इधर आई, सब जब सारा कुछ फेल हो गया कि नहीं कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप सारी उम्र पैसा खर्चते रहो और करते रहो। फिर मेरे ब्रदर ने एक बार बताया कि ऐसे एक स्वामी जी हैं, उनका जो वेबिनार मैंने अटेंड किया है, कि मुझे लगा कि उनका एक प्रोग्राम ऐसा है कि जो एक मतलब परफेक्ट प्रोग्राम है, तो उसने मेरे को ज्वाइन करवाया, कहता आप भी ज्वाइन करो। तो मैंने आपका पिछले साल किया, तो अब मुझे मतलब 5 महीने लगातार हो गए इसको करते हुए कंटिन्यूसली। और मैं सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि इतना ज्यादा मतलब फर्क पड़ा है कि मेरी लेफ्ट लेग में कोई पेन नहीं है, नॉर्मल मेरा एक बैलेंस बना है बॉडी का, और जिसकी कोई होप नहीं थी। और मैं सारे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार इससे जुड़ के देखिए, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं कि अब मेडिसिन से छूट जाते हो। मुझे, मैंने 2 महीने से कोई मेडिसिन नहीं ली, दो कोई पेन किलर नहीं लिया, जो कि मुझे पहले लेना पड़ता था क्योंकि इतनी ज्यादा पेन थी। मैं 3 महीने तक, पर ये बात एक मैं सब सबको कहना चाहूंगी, कॉन्टिन्यूसली करना पड़ता है और थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, कि जैसे जिसको हमने प्रॉब्लम को क्रिएट करने में 50 साल आए, 60 साल लगाए हैं, उसको हील करने के लिए थोड़ा सा अगर हम टाइम देते हैं, तो ये ग्रंटेड है कि मैंने तो ये देखा कि ग्रंटेड है कि मेडिसिन से छूट जाओगे जितने लोग जुड़े हो। मैं और जो मेंटर्स है ऐसे आपको ट्रीट करते हैं कि बस आपको ठीक होना ही है, होना ही है, मतलब उनकी इतनी एफर्ट जाती है, ऐसा मैंने प्रोग्राम अभी तक तो मैंने नहीं सुना। और दूसरा कि आप ये यहाँ पे आओगे तो ये देखना कि आप सेफ हैंड्स में हो, सबसे बड़ी बात है आज के जमाने में। और मैं सारे लोगों को कहती हूँ, कितनी एनर्जी आती है, सारे अब बाकी प्रॉब्लम जो छोटी 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 सब गायब होने लग जाती है अपने आप ही, दवाई भी अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। तो मैं सबको और स्वामी जी का सच्ची वो कह रही हूँ कि हम, अब हमें लगता है कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, हम अपना बुढ़ापा भी अच्छी तरह से मतलब गुजार सकेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सर।
थैंक यू सतबीर मैम, और बड़ा अच्छा लगा कि आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कि 3 साल कुंभक करेंगे 10 साल यंग हो जाते हैं, जो ऑर्गन एज है 10 साल कम हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। स्वामी जी मैं ज्वाइन करेंगे 7:30 पर, तो इन द मीन टाइम मैं देखता हूँ कि कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ले पाए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी सम टाइम। ओके, लेट मी सी का सवाल है। हाँ, सुभादीप गुप्ता जी, एलर्जिक्स राइनिटिस एंड साइनसाइटिस विल बी क्योर्ड। इसमें कुछ आपका वेट, एज और हाइट अगर आप दे पाए तो स्वामी जी इसके बारे में बताएंगे। आप ये टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी पूछ रहे हैं, विल स्वामी जी टीच द लाइव सेशन? नो, स्वामी जी लाइव सेशंस नहीं पढ़ाते हैं, हमारे मेंटर्स की टीम है वो पढ़ाती है, क्योंकि स्वामी जी के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कैंसर रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, डायबिटीज, एस्थमा, एलर्जीज, फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रोग्राम्स है, तो स्वामी जी हर जगह हो नहीं सकते, तो एक टीम तैयार की है, एक जो सिस्टम है वो टीम्स का है, लेकिन जो सारे प्रोग्राम्स है वो डिजाइंड है स्वामी जी द्वारा। स्वामी जी इज द डिजाइन हैज डिजाइंड ऑल दीज थेरेपीज एंड ही इज द पर्सन हु डज द प्राण शक्ति डायग्नोसिस एंड ही इज द पर्सन हु डज द कस्टमाइजेशन। उनके अलावा वो और कोई नहीं करते हैं, तो स्वामी जी नहीं क्लास लेते हैं, मेंटर्स क्लास लेते हैं। मनीषा जी पूछ रही है, एनी प्लेस वेयर फिजिकल क्लासेस आर कंडक्टेड इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन? नो मनीषा मैम, सब कुछ ऑनलाइन है। कुंभक जो कोरोना से पहले होता था, लेकिन एक कोरोना के समय पे मजबूर हो गए सभी लोग ऑनलाइन जाने में, फिर हमने देखा कि ऑनलाइन में हर वो दुनिया के हर एक कोने से लोग ज्वाइन कर पाते हैं, छोटी से छोटी जगह से कर पाते हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये कॉस्ट भी कम रहती है इसकी वजह से, और जो रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल होती है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमने देखे हैं, तो इसलिए सिर्फ ऑनलाइन में है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम ट्रेवलिंग बैक फ्रॉम द यूएस ऑन 15th, नो प्रॉब्लम, हर हफ्ते हम एक नया बैच स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डू यू हैव एनी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस? 7 AM इज द अर्लीस्ट टाइम, 7 बजे सुबह का जो 27 जनवरी से शुरू होगा वो उससे पहले नहीं है, दैट इज द ओनली टाइम। रिलीफ फ्रॉम मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बिल्कुल, ये न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल कोई भी इश्यूज हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ये एड्रेस करते हैं, जो थेरेपी है, रीजनरेशन शुरू होता है, जितने भी फायदे बताए हैं। अगर वेबिनार आपने ठीक से नहीं अटेंड कर पाए तो आप दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल होता है। ओके, लेट मी चेक इफ स्वामी जी हैज ज्वाइंड। नो, स्टिल 1 मिनट लेफ्ट, तो हम और सवाल ले लेते हैं तब तक। लेट मी सी, रश्मि जी, एनीवेयर इन मुंबई, अगेन वो ऑनलाइन है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। विल इट वर्क फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस? वेरी ब्यूटिफुली निधि मैम, वेरी ब्यूटिफुली। हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करेंगे, आप ग्रुप के अंदर रहेंगे, विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। इट वर्क्स वंडरफुली वेल विद इन रूमेटॉइड। ओके, हु एल्स? बायलेटरल फुट ड्रॉप, राजीव जी, यस, डॉक्टर राजीव प्रताप सिंह, बिल्कुल काम करता है, काफी केसेस हैं, वी हैव मोर देन 230 वीडियो टेस्टिमोनियल्स विच आर देयर ऑन आर यूट्यूब चैनल, वो हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जस्ट बी इन द वेबिनार ग्रुप। ओके, बैक पेन, यस, वेरी इजी टू क्योर, और क्या कहें, सोरियासिस ट्रीटमेंट कैन, यस, हरे कृष्णा जी, एक बार स्वामी जी आ जाएंगे तो और डिस्कस कर पाएंगे आप उनसे, मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ, स्वामी जी आएंगे तो आपको बहुत अच्छे लंबे एक्सप्लेनेशन देंगे। बट फाइब्रोमेलजिया, बिल्कुल, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं फाइब्रोमेलजिया के भी,
any kind of neuromusculoskeletal problem. More than 35 ailments are there which can be addressed through this one program. This ye iski bahut achhi baat hai. Rheumatoid, I've already told, chronic pain and fatigue, IBS, irritable bowel syndrome. मेटाबॉलिज्म के ऊपर हर एक कुंभक प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम होता है और मेटाबॉलिज्म का मेन पार्ट होता है लिवर. सो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेशन मेटाबॉलिज्म आर क्योर्ड वेरी वेरी इजीली. वेनु जी पूछ रहे हैं, आई एम फेसिंग डिस्क बल्ज इश्यू, पेन इन रेडिएटिंग द लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट साइड चेस्ट, नॉट स्लीपिंग वेल बिकॉज ऑफ दिस. यस अगेन रिलेटेड टू द स्पाइन, बिल्कुल easily address hota hai ye. Let me again check if Swamiji has joined. Yes, Swamiji has joined. Let me put Swamiji on the spotlight. Namaskar Swamiji. ओके तो स्वामी जी एक इसी क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं शुरू जो मैं अभी देख रहा था. डिस्क बल्ज इश्यू, पेन इन रेडिएटिंग द लेफ्ट हैंड एंड द राइट एट द लेफ्ट साइड चेस्ट. तो आपके नर्व्स जो हैं वो स्पाइन से निकलते हैं. स्पाइन का ना अपना एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होता है. यू नो एक छोटा बच्चा होता है ना, यू सी दैट किड जंपिंग अ लॉट, वो बार बार उछलता है. हमारे लिए बड़े होने पे वो जंप करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. व्हाई दैट इज सो, बिकॉज द अपवर्ड मूविंग एनर्जी विच इज कॉल्ड एज उदान, उदान जो है कमजोर हो जाता है. विथ एज इट बिकम्स वीक, विथ डिजीज इट बिकम्स वीक. अगर बॉडी के अंदर कुछ क्रॉनिक डिजीज है, डायबिटीज, थायराइड एंड सम अदर ऑर्गन इश्यू अगर ऐसा है, तो उसकी वजह से उदान शक्ति कमजोर हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द बॉडी, इफ यू चेंज योर लाइफ स्टाइल टू अ वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, तब भी हमारी उदान शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है. मेटाबोलिज्म आपका अगर वीक होगा, इफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज नॉट प्रॉपर, आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा. एंड यू नो कि आजकल डेफिशिएंसीज बहुत बोलते हैं, कहते हैं ये विटामिन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दिस डेफिशिएंसी, दैट डेफिशिएंसी. तो आपके पूर्वजों को क्या डेफिशिएंसी नहीं थी? ऑब्वियसली नहीं थी. आपको डेफिशिएंसी ज्यादा है, हम ज्यादा खा रहे हैं और ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है. तो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज फूड, टू ब्रेक डाउन और एसिमिलेट फूड, ये कमजोर हो गया. मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमजोर हो गया. मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमजोर होने का मतलब क्या होता है? इट कैन बी मेजर्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज. कुछ तरीके जो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या तरीका है मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वीक होने का? फिजिकली अगर हम इसे मेजर करना चाहते हैं, तो आपके जैसा कोई इंसान को सामने खड़ा कर दो, लेट हिम पुश यू एंड यू पुश बैक, आपको वो धक्का दे, आप धक्का दे. अगर आप इसे बैलेंस कर पाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है. ठीक है. दूसरी चीज, और खास करके सामने वाला इंसान जो चूज कीजिए, वो कोई फिजिकल वर्कर चूज कीजिए, कोई मजदूर, और उसको धक्का देने की कोशिश कीजिए. तो अगर वो आपको धक्का दे पाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है. अगर आप उसे धक्का दे देते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म कमजोर है. और आप लोगों में से सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको धक्का नहीं दे पाएंगे. राइट. द सेकेंड फैक्टर, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट थ्रू योर ब्रेथ ऑल्सो. सांस से भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. तो जितनी लंबी आप सांस लेते हैं, उससे 4 times लंबा अगर आप रोक पाए तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है. सपोज 10 seconds का सांस भरते हैं, 40 seconds अगर रोक पाएंगे तो मेटाबॉलिज्म ठीक है. और कैसे देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म? इफ यू कैन बैलेंस योर बॉडी प्रॉपरली, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है. यानी एक पांव पे खड़े होके अगर आप कम से कम भी अपने आप को 5 minutes बैलेंस कर पाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है. और मैं गारंटी देता हूं कि आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा.
सो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, फोकस के टर्म्स में भी मेटाबॉलिज्म हम मेजर कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। जो मैं कुंभक आयाम बता रहा हूं ना, अभी जो करंट मेडिकल रिसर्च, 100 साल का मेडिकल रिसर्च हैजंट इवन करेक्टेड वन डायबिटिक पर्सन, एक को भी क्योर नहीं किया ना, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज एक को भी क्योर नहीं किया, थायराइड एक को भी क्योर नहीं किया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक को भी क्योर नहीं किया, रूमेटाइड एक को भी क्योर नहीं किया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक को भी क्योर नहीं किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक को भी क्योर नहीं किया। तो देर इज लॉट ऑफ मोर आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च विच इज नीडेड। जितना रिसर्च हुआ उससे कम से कम 1 मिलियन टाइम्स रिसर्च जरूरत है अलग तरीके की सोच में, विच वी आर नॉट डूइंग। 3 तरीके से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, थ्रू सम काइंड ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड। केमिकल मेडिसिन इज हार्मफुल, केमिकल मेडिसिन के कारण आपकी बहुत सारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। तो बट मेडिसिन इन सम केसेस लाइक आपका कोई इंफेक्शन हो गया तो उसमें मेडिसिन अभी भी काम कर जाता है। मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, हर्ब्स आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, ये कोई भी फिजिकल चीज। दूसरा तरीका क्या है, टेम्परेचर अपने बॉडी का चेंज करके या मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो है प्रेशर मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। प्रेशर मैनेज करके ठीक करना सबसे फास्टेस्ट पावरफुल मेथड है अपने आप को क्योर करने का। सेकेंड नंबर इज टेम्परेचर, थर्ड नंबर इज मटीरियल मेडिसिन। सबसे वीक एस्पेक्ट पे ही सारा रिसर्च हो रहा है, रिसर्च कहीं और भी होना चाहिए। तो उदाहरण शक्ति जैसे ही आपकी कमजोर होगी, बहुत कारण है उसके, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, यानी कि उसके ऊपर जो रीढ़ की हड्डियां अलग अलग है वो एक दूसरे के साथ में खिसकेंगी, या तो फिर उनके अंदर जान नहीं होगी, जान नहीं होगी तो स्वेलिंग होगी, इंफ्लमेशन होगा, डिस्क बल्ज होगा, है ना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं है तो खिसकेंगे, वीकनेस है तो इन्फ्लेमेशन होगा, दोनों ही वजह से डिस्क बल्ज होगा। जब भी ये डिस्क बल्ज होगा या फिर डिस्क खिसक गई है तो नर्व पे कंप्रेशन होगा, नर्व कंप्रेशन के कारण आपके रेडिएटिंग पेन आएगा, एक साइड में आएगा जहां पे कंप्रेशन हो गया, राइट साइड में होगा तो राइट आर्म में पूरा का पूरा वो पेन जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में या लेग में जाएगा या और ऑर्गन्स में जाएंगे, क्योंकि सारी नर्व्स रीढ़ की हड्डी से ही निकलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना पहली चीज है क्या, उदान शक्ति बढ़ाना। दूसरी चीज क्या, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना ताकि रिजेनरेशन हो। तीसरी चीज क्या है, व्यान शक्ति से कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ाना। चौथी चीज क्या, अलाइनमेंट करना। ये 4 आपको काम करने पड़ेंगे और ये चारों काम, अलाइनमेंट आप कर ही नहीं रहे हो, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेचिंग आप कर नहीं रहे हो, कई बारी केवल अलाइनमेंट करने पर ही आपका डिस्क बल्ज ठीक हो जाता, आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऑपरेशन से आपकी मूलभूत शक्तियां नहीं बढ़ती हैं, आप केवल हड्डी को इधर उधर खिसका के मैनेज कर लेते हो, फिर खिसक जाएगा, कहीं और खिसक जाएगा, यही होता, आप लोग ये जानते हैं, ठीक है ना। तो ये काम कौन करेगा, ये जो 4 काम बताएं ये हमारे प्रोग्राम में एम्बेडेड है। व्यान क्रिया कुंभक हम कराते हैं जिससे कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, उदान शक्ति बढ़ाते हैं, कस्टमाइज कुंभक आपको मिलेगा, कस्टमाइज प्रैक्टिस मिलेगा आपकी वीकनेस के हिसाब से। अलाइनमेंट, 3 अलाइनमेंट, नाभि कौड़ी नले बॉडी का फुल अलाइनमेंट, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में आपको सिखाते ही हैं। मेटाबॉलिज्म कुंभक से इंप्रूव होता ही है, ठीक होता ही है। तो ये 4 चीज़ें ठीक होंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये ठीक नहीं होंगी आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो जाएगी। अभी पेपर में आप लिख लो, स्टैम्प पेपर में लिख लो, बता रहा हूं। शिखा जैन पूछ रहे हैं एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ डूइंग इनकरेक्ट ब्रीदिंग। टेल मी 1 पर्सन हु हैज डाइड बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट ब्रीदिंग और कैन यू डू इनकरेक्ट ब्रीदिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा आपको एक भी एग्जांपल मिलता है पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में जो ब्रेथ की वजह से कोई इंसान खत्म हो गया या उसको नुकसान हो गया? दूसरा, क्या आपके बस में है इनकरेक्ट ब्रीदिंग करना? क्या आप सांस रोक लीजिए, एक काम कीजिए, इनकरेक्ट करना है ना, मैक्सिमम इनकरेक्ट कर लेते हैं, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और देखिए क्या होता है, क्या आप मरते हैं? पर इतना तो रिस्क आप लेना नहीं चाहेंगे।
एक्चुअली में कोई भी इंसान खुद सांस रोक के नहीं मर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, किसी और को करना पड़ेगा। तो बॉडी का ना एक अंग्रेजी में एक वर्ड है, इसे कहते हैं होमियोस्टासिस। हालांकि होमियोस्टासिस केवल और एक पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूं बॉडी बॉडी का एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। आपको बॉडी ना बेहोश कर देगा, उसके बाद आप सांस लेने लग जाओगे, फिर होश में ले आएगा। तो आपको मैनेजिंग, बॉडी का मैनेजिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप कर कुछ भी कर लीजिए, आप इनकरेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर भी बोलना चाहूंगा, सपोज कीजिए आप कुछ जबरदस्ती इनकरेक्ट कर रहे हैं, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और सालों साल आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपका पूरा एनर्जी सिस्टम जो है वो बदल सकता है, डिविएट हो सकता है, पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम एक अलग ही फॉर्म ले सकता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म क्या है, कुंभक है। पहली बात, कुंभक प्राणायाम नहीं है, आप ये बात प्राणायाम के साथ में ना जोड़ें, योगा के साथ में ना। हम आपको योगा नहीं करवा रहे, 100% नहीं करवा रहे, 1000% नहीं करवा रहे, हम आपको मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटेनमेंट, निर्वाण, कैवल्य, समाधि ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहते, क्योंकि योगा का अल्टीमेट गोल वही होता है। आप कोई भी योगा की किताब उठाओ, उसमें आपको यही चीजें देने की कोई, आखिरकार जो योगा की फैक्ट्री में से वही निकलेगा, समाधि ही निकलेगी, तो वो हम नहीं देना चाहते। यही आयुर्वेद का पाठ है, कुंभक जो हम करा रहे हैं वो आयुर्वेद का पाठ है, जो लुप्त हो गया। ये आपके वात पित्त कफ यानी बीमारियों को ठीक करने का तरीका है। किसी को अगर सच में मुक्ति चाहिए तो मुझसे अलग से आके मिले, सच में मुक्ति चाहिए, दुनिया से जाना है तो मुझसे अलग से मिले। हम आपको कोई ऐसा काम नहीं करवाएंगे, हम आपको हेल्थ देंगे, हम आपको जीवन जीने के लिए एनर्जी देंगे, जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए आपकी फैकल्टीज को ठीक करेंगे, पूरी तरीके से जीवन जीने के लायक आपको बनाएंगे। जब आप पूरा जी लेंगे तो मुक्ति निश्चित है, गारंटी मान लो, स्वामी राजगुरु की गारंटी है, पूरी तरीके से जी लो, मुक्ति अपने आप ही आ जाएगी। तो वो नहीं, उसको कंपैरिजन नहीं करना है ना, अब कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन बहुत पावरफुल है, सबसे पावरफुल चीज क्या है, एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, कुंभक। इसी से कर्म बनते हैं, इसी से कर्म टूटते हैं, इसी से ऑर्गन स्ट्रेंथ आती है, इसी से जीवन जीने की प्राण ऊर्जा बनती है। तो बहुत स्ट्रांग है, अगर आप इसे गलत करेंगे तो आपका जीवन का डायरेक्शन एक अलग हो सकता है, शायद आपको पता भी नहीं चले। इसीलिए इसको हमेशा गाइडेड में वे में ही करना चाहिए, एक किसी एक गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, तो ये गाइडेड ही है। हाँ, हमने जो डिजाइन किया है उसको उसको आप गलत नहीं कर सकते, उसको ट्राई करके देख लो, आप गलत नहीं करो, उसको मैं आपको खींच लूंगा वापस, वो चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे गलत नहीं कर सकते, मगर आप उसे ऐसा करें जैसे आपको आनंद आए, तभी ये आपको बहुत फायदा करे। ओके, ओम प्रकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं, ऑन स्टीरॉइड्स फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस तो ठीक हो जाता है जी भाई, या तो आप बोटॉक्स लगाओगे या तो स्टेरॉइड देंगे आपको, यही दो चीजें। माइस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली बोटॉक्स लगाते हैं, बोटॉक्स क्या, सांप का जहर है, जहर दे दिया, नसें नंब हो जाएंगी, 2-4 महीने वो आपको ठीक लगेगा या 1-आध महीने ठीक लगेगा, फिर जाओ फिर इंजेक्शन लगा लो, ऐसा ही है, सांप से कटवा लो। बड़ा अच्छा तरीका है जीने का जी, मतलब किसी नस को नंब करके आप जी कैसे पाएंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा, बस इतनी सी बात है ना, महसूस नहीं होगा, आप बोलेंगे देखो मुझे आराम मिल गया, बट महसूस नहीं होना ये जीवन के विपरीत होता है साहब। जीवन तो महसूस करके ही जीते हैं, बिना महसूस किए जिसे वो न्यूरोटॉक्सिन्स खिला दिया जाए और आप बस पड़े रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी जीना क्या जीना। हाँ, आपको लग रहा है कि मुझे आराम मिल रहा है, मगर आपने खराब क्यों किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नसें रिजुवनेट होती हैं, रीजनरेट होती हैं। हाँ, तो कभी आपको पढ़ना है ना, गूगल में जाके न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे करके डालो और पढ़ो, प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, पहली
पहले मानते नहीं थे ये, पहले कहते थे नहीं जी नर्व तो रीजनरेट हो नहीं सकते, पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल तो खराब है, अचानक यू टर्न ले ले, 40 साल बाद यू टर्न ले लिया, कहते कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है। अभी शायद आप तक खबर नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची है ना आप तक, तो शायद खबर नहीं पहुंची है। अभी पहुंच जाएगी, क्योंकि 1-2 साल लग जाते हैं सभी तक खबर पहुंचने में। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अभी बहुत यू टर्न होने हैं, बहुत यू टर्न होने हैं, 4-5 साल बाद पता चलेगा आपको कि कभी भी एंजियोप्लास्टी नहीं करवानी चाहिए। ये आने वाला है, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता, ये तो ऑलरेडी खबर है, मगर छुट छुटपुट ग्रुप में है, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता, पढ़िए जाके वापस, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड प्रेशर, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, ये भी अभी मालूम है, मगर उनको समझ नहीं आ रहा कि बताएं तो बताएं क्या, 100 साल से तो यही बोल रहे हैं, झूठ 100 साल से बोलने के बाद ना सच बोलने की हिम्मत टूट जाती है। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, फिजिक्स के लॉ के विपरीत है, ठीक है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स में एक लॉ है, लैमिनर फ्लो के नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर, या तो वो फिजिक्स का लॉ गलत है या तो आप गलत हो, तो फिजिक्स का लॉ तो गलत नहीं है, वो तो हो नहीं सकता गलत, आप ही गलत हो सकते हो, मगर हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर हिम्मत भी जुटा लें कि बोल दें कि भाई ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, तो होता क्या है फिर, ये क्या बोले वो भी मालूम नहीं है। अभी तो बहुत सारे यू टर्न आने वाले हैं, कैंसर जेनेटिक नहीं होता है, मेटाबॉलिक होता है, बहुत यू टर्न आने वाले हैं, बहुत यू टर्न। डायबिटीज की केस में शुगर लेवल कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऑर्गन डैमेज होता है, अभी आने वाले यू टर्न, चिंता मत करिए, शायद आपकी किडनी खराब हो जाएगी, पर क्या बात है भाई, आप तो साइंटिफिक लोग हैं, है ना, 5 साल बाद 10 साल बाद जब यू टर्न आएगा आपकी किडनी खराब हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो साइंस को फॉलो कर रहे थे। तो बहुत यू टर्न आने वाले हैं, मगर ऐसे में नुकसान किसका, जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारा नुकसान, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जीवन का बड़ा सुंदर सा नियम है, आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, सीधी सी बात, आपकी कौन जिम्मेदारी लेगा, आप ही लोगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, आपका शरीर, पहले आपका शरीर फिर बाकी सेवा बाद में, पहले अपनी हेल्थ सुधारिए बाकी फिर सेवा बाद में कीजिए। सबसे पहले कहते हैं ना, एरोप्लेन में जाएंगे कहेंगे सबसे पहले जब ऑक्सीजन मास्क आएगा तो खुद लगाइए, फिर दूसरे को हेल्प कीजिए। तो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। अच्छा, सबसे बढ़िया डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट क्या आपके पास में, डायग्नोस करने के लिए क्या सही क्या गलत, आपका शरीर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में किससे पढ़ें, गूगल में पढ़ें, नहीं, आपके शरीर से पूछें कि क्या खाने का मन है बॉस, किसमें स्वाद आएगा आपको। वही आपकी दवाई है, प्रकृति की तरफ में जाए वही आपकी दवाई है, ठीक है ना। तो किसी की बात नहीं माननी, किसकी बात माननी है, अपने शरीर की बात माननी, अपने शरीर को ना बैलेंस में रखना, इसकी शक्तियां बनाइए बढ़ाइए, इसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इम्यून स्ट्रेंथ ये सब इंप्रूव कीजिए। और ये सारी चीजें कहां से इंप्रूव होती हैं, कैसे इंप्रूव होती हैं, आपकी जोर लगाने की क्षमता ही आपका जीवन है। जो इंसान हिल नहीं सकता वो जिंदा है या मुर्दा है बताइए, मुर्दा है। जो इंसान जोर नहीं लगा सकता वो मुर्दा है। तो आपकी जोर लगाने की क्षमता ही आपकी लाइफ है, आपकी इम्यूनिटी है, आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, आपका ऑर्गन स्ट्रेंथ है, आपकी ऑर्गन फंक्शन है, आपका जेनेटिक स्ट्रेंथ है। जोर कैसे लगाते हैं, वही लगाने का तरीका कुंभक है। तो कुंभक ही ये सारी चीजें हैं, इसको जरूर रखिए अपने लाइफ में, आप देखेंगे आपकी लाइफ इंप्रूव होती जाएगी, आपके डिजीज जाते जाएंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस आराम से ठीक हो जाती है, क्योंकि कुंभक से न्यूरो रीजनरेशन होता है,
कुंभक ही एपिजेनेटिक ट्रिगर है आपके शरीर का। आपके शरीर में स्टेम सेल्स हैं जो कि आपके ऑर्गन्स को रिवाइव करते हैं, आपकी नस नाड़ियों को रिवाइव करते हैं। उनको ट्रिगर भी कैसे दे सकते हैं? कुंभक के जरिए। तो हमारे पास में ऐसे केसेस हैं, माइथिनिया ग्रेविस के, लॉक जॉ के, वॉइस के इशू के, है ना, टेनिस एल्बो के, दो जो भी न्यूरो जहां पर। अरे गंगाधर जी, सारी रामायण तो निकल गई, अब अंग्रेजी में क्या सुनोगे? यू कुड हैव सेड इट बिफोर, आई थॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी, सो इफ यू वुड हैव सेड इट बिफोर आई वुड हैव जम्प्ड बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, बट वॉट एवर आई सेड अ लॉट, सो आई विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इन टू इंग्लिश, बट वन थिंग इज योर एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ इज कुंभक, योर एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ इज योर लाइफ, योर एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ इज योर मेटाबोलिज्म एंड इम्यूनिटी एंड रीजनरेशन स्ट्रेंथ एंड ऑर्गन स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल स्ट्रेंथ। सो कुंभक बेसिकली इज एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू परफॉर्म और दैट यू डू इन योर लाइफ। इफ यू इंप्रूव द कुंभक कैपेसिटी, द एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ, एवरीथिंग कैन बी रिवर्स। सो न्यूरो रीजनरेशन कैन बी डन, बट यू विल हैव टू यूज एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ टू एक्चुअली इंप्रूव द मेटाबोलिज्म एंड द रीजनरेशन फैक्टर। सेकेंड थिंग इज इफ देर आर स्टेम सेल्स इन योर बॉडी, एंड देर आर स्टेम सेल्स इन योर बॉडी, द स्टेम सेल्स आर मूविंग अराउंड वेटिंग फॉर अ ट्रिगर टू एक्चुअली डू रीजनरेशन और रीसरेक्शन ऑफ योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड नर्वस सिस्टम। सो द ट्रिगर इज कुंभक। कुंभक इज एपीजेनेटिक ट्रिगर। कुंभक कैन ऑल्सो चेंज योर जेनेटिक्स। सो देर इज समथिंग जेनेटिक इन योर लाइफ, सम जेनेटिक डिजीज। डू यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर जेनेटिक्स? देन यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट टूवर्ड्स इट, बिकॉज एफर्ट चेंजेस जेनेटिक्स। दैट इज डार्विन्स थियरी। जेब्रा हैज बिकम और जेब्रा बिकेम जिराफ। वाई? बिकॉज ही मेड सम पर्टिकुलर एफर्ट थ्रू हिज नेक। सो बाय एफर्ट जेनेटिक्स चेंज एंड यू मेक एफर्ट थ्रू कुंभक। कुंभक इज द मैकेनिज्म थ्रू विच यू मेक एफर्ट, नॉट ओनली यू इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल बॉडी, यू ऑल्सो मेक एफर्ट इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्गन। योर ऑर्गन ऑल्सो मेक एफर्ट थ्रू कुंभक। एंड इफ आई गो मोर टेक्निकल, देन योर प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ द बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन। सो योर प्रेशर आर्किटेक्चर विच इज सेड एज वात पक्ष इन आयुर्वेद इज कुंभक बेसिकली। सो कुंभक करेक्ट्स द वात, द प्रेशर आर्किटेक्चर। प्रेशर करेक्ट्स द थर्मल आर्किटेक्चर, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, विच इज कॉल्ड एज पित्त इन आयुर्वेद। सो वात पित्त टूगेदर एक्चुअली डज मेटीरियल मैनेजमेंट इन योर बॉडी, विच इज कॉल्ड एज कफ। सो कुंभक इज अ प्रोसेस टू करेक्ट वात पित्त कफ, ऑल थ्री, द मोस्ट पावरफुल मीडियम। दैट इज वाई कुंभक, वॉट वी आर टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा। गीता सत्या राइट्स माइग्रेन। माइग्रेन वन हाफ, पेन इन वन हाफ, जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ वेरी वेरी लेमैन्स पर्सपेक्टिव। वन हाफ पेन मीन्स यू हैव सर्टन इम्बैलेंसेस इन योर बॉडी और डिसअलाइनमेंट इन योर बॉडी। फर्स्ट थिंग इज यू हैव सम डिसअलाइनमेंट इन योर बॉडी, दैट इज वाई पेन इज हैपनिंग ऑन जस्ट वन पार्ट। अब क्या सभी को अंग्रेजी समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग इन इंग्लिश ओनली। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश? शुड आई से एवरीथिंग इन इंग्लिश और शुड आई स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी? एनीबडी हु वॉन्ट्स हिंदी मिक्स? ओके। तो पहली चीज, जब हम माइग्रेन को देखते हैं, इट हैपन्स इन हाफ पार्ट। माइग्रेन क्या? आधे पार्ट हिस्से में होता है। इसका मतलब देर इज एन डिसअलाइनमेंट इन योर बॉडी, फिजिकल डिसअलाइनमेंट। सो वॉट इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू करेक्ट इज, आपको पहली चीज क्या ठीक करनी है? आपके शरीर का डिसअलाइनमेंट जो है वो ठीक करना है। द सेकेंड एस्पेक्ट, पेन। पेन मीन्स सम काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, रुकावट। सो इफ देर इज अ ब्लॉकेज इन एनी पार्ट, सपोज यू आर
यू आर सिपिंग सम जूस एंड इन द स्ट्रॉ देर इज अ पल्प विच गॉट स्टक. आप जूस पी रहे हैं और जो स्ट्रॉ है उसके अंदर कोई टुकड़ा फल का फंस गया. आप उसे कैसे निकाले? हाउ विल यू पुश इट आउट? यू विल क्रिएट अ लिटिल प्रेशर, इजंट इट, थ्रू एयर, इजंट इट? आप थोड़ा सा ऐसा फूक मारेंगे ना, यू विल क्रिएट अ लिटिल प्रेशर विथ योर विद द एयर थ्रू योर माउथ एंड वॉट विल हैपन, द पल्प विल गो आउट. वो पल्प चला जाएगा. सो वॉट एवर ब्लॉकेज इज देयर इन योर बॉडी, यू विल हैव टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ प्रेशर. आपको सही तरीके से प्रेशर अपने शरीर में क्रिएट करना पड़ेगा. द होल साइंस इज कुंभक थेरेपी और कुंभक चिकित्सा. बाय करेक्टिंग द प्रेशर आर्किटेक्चर, प्रेशर का जो मैप है आपके शरीर में उसको अगर आप ठीक करेंगे तो पेन का कारण जो रूट, द रूट ऑफ पेन विल गो अवे. देन यू कैन डू सम फ्लो विच वी गिव एज अ कस्टमाइजेशन प्रोसेस. द पेन फैक्टर विल कम डाउन स्लोली, यू विल सी इट विल कंप्लीटली गो अवे फ्रॉम योर लाइफ. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ माइग्रेन इज अरिदमिक बिहेवियर और द एनर्जी इज नॉट इन रिदम, द फ्लो इन योर बॉडी इज नॉट इन रिदम. तो क्रिएटिंग अ सर्टन रिदम ऑफ फ्लो ऑफ हाउ यू वर्क. सी आप एक सीधी सी बात समझे, यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ यू रिमेंबर योर ग्रैंड मदर, शी हैड टू डू लॉट ऑफ हेवी एक्टिविटी और वर्क टू सस्टेन और टू फॉर लाइफ सस्टेन. दे हैड टू डू रियली लेबर हेवी वर्क, बट दे विल ऑलवेज डू इट विथ सम काइंड ऑफ अ फोक सॉन्ग, इजंट इट? लॉट ऑफ वेट ऑन देयर हेड बट दे वुड बी सिंगिंग. Nowadays, if you do it, it will become some kind of record. No head, no load on the head, but inside head, it's too much load. So, that happens only when you practice rhythmically adjusting your life or living a life. Creating a rhythm in your life is very much important. Otherwise, pain and the pain like migraine will become very common, and the episodes of migraine is increasing, because you'll see thyroid people of thyroid who are into thyroid condition. Thyroid is basically a loss, lack of rhythm or loss of rhythm of the body, flow, hormonal flow not fine, metabolic flow not fine, lymphatic flow not fine. So the flow factor, अगर आपके शरीर में कोई प्रवाहक गड़बड़ होगी तो थायराइड हो जाएगा, और थायराइड के लोगों को माइग्रेन ज्यादा होता है. पीपल इन टू थायराइड दे एक्सपीरियंस मोर एपिसोड ऑफ माइग्रेन. इज हाइपोथायरॉयडिज्म? यस, इफ यू हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, यू जस्ट पुट डाउन योर नंबर, somebody विल गेट इन टच विथ यू. आपको कोई बात करके सारी प्रॉब्लम पूछ लेंगे. फिर हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं ना, तो जो आपके लिए सबसे सूटेबल प्रोग्राम होगा वहां पे आपको भेज देंगे. राज नदकर्णी जी राइट्स, विल इट वर्क फॉर मसल डीजनरेशन? मसल डीजनरेशन, व्हाई मसल डीजनरेशन इज हैपनिंग, व्हाई रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग? रीजनरेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इजंट इट? सो व्हाई रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग? So the condition might not be right. What condition? If your thermal gradient of the body, शरीर का तापमान मैनेज करने का, temperature मैनेज करने का system, the system to manage temperature is not fine, then your muscle loss will happen. Usually what happens, people into long time metabolic disorder, they will start losing muscles, like in diabetes. After a long period of time, they start losing muscles because the thermal map of the body becomes deviated. Temperature ka jo map hai sharir ka, wo kharab ho jata. Aisa hoga to muscle loss hoga hi hoga. The second factor of muscle loss is too much of toxins in the body. Uric acid ka badh jana, there are toxins in the body. Metabolism is weak, toxins in the body will help in muscle loss. Regeneration will not happen.
So the detox process of the body needs to be enhanced. The strength of detox needs to be enhanced. I will only talk in terms of strength, right? By external help, we can do detox, but the natural detox strength of the body needs to be established. टॉक्सिन्स रिलीज कैसे करेंगे? अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है तो द लिम्फैटिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज वेरी हेल्पफुल इन रिलीविंग और रिलीजिंग टॉक्सिन्स इन डूइंग डिटॉक्स. द लिम्फैटिक मूवमेंट हैपन्स ओनली इन अ प्रेशर ग्रेडियंट. ये बात समझिए, आपका ब्लड का प्रेशर ग्रेडियंट मैनेज करने के लिए देर आर मैकेनिज्म, बट लिम्फ का प्रेशर मैनेज करने के लिए देर इज नो मैकेनिज्म. यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन प्रेशर और यू विल हैव टू करेक्ट द प्रेशर ग्रेडियंट. हाउ विल यू क्रिएट द प्रेशर? बाय डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी और डूइंग कुंभक. आप शारीरिक एक्टिविटी कोई भी करते हैं या कुंभक बैठे बैठे करते हैं, दोनों से आपका प्रेशर ग्रेडियंट आराम से मैनेज होता है. इनफैक्ट मोर विथ कुंभक देन योर फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी से भी ज्यादा कुंभक से मैनेज होता है. तो ये दो चीज बताया. आई कैन टेल यू मोर अबाउट मसल्स, बट देन कितनी सारी आपको ज्ञान दे देंगे हम यहाँ पे, मगर आप ठीक नहीं होंगे. आपको पूरी यूनिवर्सिटी की क्लास पढ़ाएंगे मगर फिर भी आप ठीक नहीं हो सकते. इफ यू डू अ लिटिल एक्टिविटी ऑन योर बॉडी, डू समथिंग ऑन योर बॉडी, यू विल बिकम फाइन. आप ठीक हो जाएंगे. अनीता गांधी जी आस्किंग अबाउट न्यूरोपैथी। अगेन आई टोल्ड अबाउट न्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी हैपन द कोर और द बेस ऑफ न्यूरोपैथी, द रूट ऑफ न्यूरोपैथी इज बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इट स्टार्ट विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. जठराग्नि शरीर में जब जैसे ही कमजोर होती है आपकी, जठराग्नि जैसे ही कमजोर होती है और इसको हम मेटाबॉलिक हीट भी कहते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम देयर. वहां से इसकी शुरुआत होती है. सो योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रीजेनरेटिव एक्टिविटी इन योर बॉडी. आपके शरीर में किसी चीज का बनना जो है वो आपकी जठराग्नि की वजह से होता है. वेन यू पुट केमिकल्स इन योर बॉडी, जब आपके शरीर में केमिकल्स डालते हैं. और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझ में भी आएगा इस बात को. जैसे कि पहले भी मैंने बताया मसल लॉस कैसे होता है, बॉडी का टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर खराब करेंगे. आप लोगों ने बचपन से पैरासिटामोल खाया होगा ना, यू मस्ट हैव टेकन पैरासिटामोल. पैरासिटामोल डिस्टर्ब्स द थर्मल आर्किटेक्चर ऑफ योर बॉडी. आपके शरीर का तापमान, टेम्परेचर बनने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसको पैरासिटामोल खराब करता है. तो जो सबसे कॉमन मेडिसिन है, द मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन ऑफ योर लाइफ एंड वी आर नॉट इवन हैव अ सेंस ऑफ इट. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स देर विल बी लॉट ऑफ यू टर्न. देर विल बी लॉट ऑफ यू टर्न अभी आएगा. तो न्यूरोपैथी हैपन्स बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. नाउ ओवर एंड अबव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इफ यू ट्राई टू करेक्ट इट थ्रू केमिकल मेडिसिन, न्यूरोपैथी इज गारंटीड. डायबिटीज है, आप शुगर लेवल कम करते जाओ, न्यूरोपैथी आपको होगा ही होगा. सो व्हाट इज दैट विच यू नीड टू करेक्ट? मेटाबॉलिक हीट. हाउ वुड यू करेक्ट योर मेटाबॉलिक हीट? कुंभक इज द ओनली मेथड टू करेक्ट द मेटाबॉलिक हीट. सो कुंभक करेंगे तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा. फॉरगेट अबाउट योर शुगर लेवल, फॉरगेट अबाउट अदर प्रॉब्लम्स. यू विल व्हाट यू विल सी इज स्लोली एंड स्टेडिली द न्यूरोपैथी विल बिकम बेटर एंड यू विल फील लॉट ऑफ रिलीफ. एनी काइंड ऑफ न्यूरो डिसऑर्डर कैन बी, बट इट टेक्स टाइम. आपको एक और बात माननी पड़ेगी, न्यूरो डिसऑर्डर फॉर रिकवरी टेक्स टाइम. नॉर्मल चीज मेटाबॉलिज्म तो आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा, बट न्यूरो रिकवरी एंड न्यूरो रीजनरेशन विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year to 3 years. 1 से 3 साल के अंदर होता है अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो. इज देयर अ सिंगल आई कांट वॉक। ये क्या बोल रहे हैं, सिंगल पर्सन? कितने कितने आपको दिखाए हम, बहुत लोगों का ठीक है. इफ यू डू द प्रैक्टिस यू विल बिकम फाइन. तो सिंगल पर्सन की बात मत करो यहाँ पे. आई कांट वॉक बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी। वी आर मोर देन 10,000 पेशेंट. हाँ,
वही न्यूरोपैथी का तो फिर वही हो गया ना, ना यू कांट हाँ वॉक, हाँ न्यूरोपैथी की वजह से कंट्रोल नहीं आता, कंट्रोल नहीं आता ना, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई मोशन, इजंट इट? तो आप मुझे बताइए अपने हाथ को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं? सपोज करो आप हाथ शेक कर रहे हो, आप स्टडी करना चाहते हो, वॉट यू डू? यू होल्ड इट टाइट, सांस रोक लेते हैं ना उसमें, तो वेन यू कंट्रोल योर बॉडी, एनी लिम यू वॉन्ट टू कंट्रोल, हाउ डू यू कंट्रोल योर लिम? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, कुंभक से ही आप लिम को कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल खत्म हो गया तो क्या करना चाहिए आपको? कुंभक करना चाहिए, इतना सिंपल है, इसको समझिए। सतीश जी आस्क्ड, एपिलेप्सी क्योर हो सकता है क्या फॉर किड 7 ईयर ओल्ड? देखो 7 ईयर ओल्ड को हम लेंगे नहीं, 8 साल के बाद हमारा बच्चों का प्रोग्राम होता है उसमें डाल दीजिए। एपिलेप्सी को आपको अगर समझना है तो एपिलेप्सी बेसिकली सडनली जब बॉडी के अंदर रिस्क बढ़ जाता है तो एपिलेप्टिक शॉक्स आते हैं जस्ट टू हैंडल द रिस्क। एपिलेप्सी खराब नहीं है, एपिलेप्सी बेसिकली उस शरीर को बचाने का हिसाब है। मगर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए ना आप, देखिए आपने अंग्रेजों की पढ़ाई ज्यादा कर ली है मगर इंडियन होने के नाते आप लोग समझदार लोग हैं, क्योंकि आपका जेनेटिक्स में ही समझदारी है, तो आप जरा ऑब्जर्व करो ना, एपिलेप्टिक शॉक हुआ किसी को, समबडी इज गेटिंग इनटू एपिलेप्टिक शॉक, व्हाट इज हैपनिंग? वो सांस रोक रहा है इंसान ना, बार बार सांस को रोक रहा है, टाइट कर रहा है बॉडी को, सांस को रोक रहा है, तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये शॉक कब आता है? व्हेनेवर देयर इज अ रिस्क, सम काइंड ऑफ रिस्क फॉर पीपल, रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड विथ डिफरेंट रिस्क डिफरेंट पीपल कैन गेट इनटू एपिलेप्टिक शॉक, बट रिस्क है बॉडी में और रिस्क से बचाने के लिए वो शॉक आया। बट व्हाट इज हैपनिंग देयर? ब्रेथ होल्ड, कुंभक हो रहा है वहां पे बचाने के लिए। तो अगर कुंभक करेंगे, इफ द पर्सन डज कुंभक, वट विल हैपन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिलेप्टिक शॉक विल रिड्यूस अ लॉट, कम हो जाएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि कुंभक ही तो कर रहा है ना वो, उसमें आप उसको उसी तरीके से सपोर्ट कर दो तो उसको शॉक आना कम हो जाएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे जैसे टॉलरेंस बढ़ जाएगा बॉडी का, द बॉडी इंक्रीजेस टॉलरेंस थ्रू कुंभक, द टॉलरेंस, इफ द टॉलरेंस विल इंक्रीज यूल सी द रिस्क विल रिड्यूस, द एपिसोड्स ऑफ एपिलेप्टिक शॉक विल रिड्यूस एंड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट विल कंप्लीटली गो अवे। Will it be helpful in systemic sclerosis? स्क्लेरोसिस, मल्टी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली स्टार्ट्स विद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। बेसिकली इसको कहेंगे क्या अगर स्क्लेरोसिस? देखिए ये इतने सारे ग्रीको रोमन शब्द पढ़ लिए, ठीक तो होता नहीं, नामकरण संस्कार तो बहुत अच्छा करते हैं मगर ठीक किसी को नहीं करता है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है ऑर्गन फेल, बेसिकली इट इज गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन काम करना बंद कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के समझाता हूं और सबको समझ में आएगा ये, बात यह है कि आप समझना चाहते हैं कि नहीं। किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट बंद हो रहा है ना, हार्ट बंद हो गया, अब क्या करोगे? फर्स्ट थिंग व्हाट इज इवन कंटेम्प्रेरी आज के समय के जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहली चीज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन, व्हाट इज द मेडिकल गाइडलाइन व्हेन द हार्ट अटैक हैपेंस? यू डू सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये इसका मतलब क्या होता? आप मुंह में हवा भरें और उसके हार्ट पे ऐसे प्रेशर बनाए, क्यों आप बना क्या रहे? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर फॉर द हार्ट टू स्टार्ट फंक्शनिंग। यस और नो, आप लोग सब समझ सकते हैं इस बात को? तो आप प्रेशर से किसी ऑर्गन को, यू वांट टू रिवाइव एन ऑर्गन थ्रू कांस्टेंट प्रेशर, दिस शुड टेल यू दैट एनी ऑर्गन एंड एवरी ऑर्गन फंक्शंस इन अ सर्टन प्रेशर। व्हाट इज कुंभक? कुंभक इज करेक्टिंग द प्रेशर मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। सो इफ सम ऑर्गन इज फेलिंग
वॉट इज द प्राइमरी थिंग टू डू? कुंभक, टू रिवाइव द ऑर्गन. सो देर आर डिफरेंट फॉर्मुलेज ऑफ कुंभक दैट कैन बी डन टू क्रिएट पिन पॉइंटेड इंपैक्ट ऑन योर बॉडी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू रिवाइव लिवर, अगर लिवर रिवाइव करना चाहते हैं, सो देर इज अ फॉर्मूला. इफ यू वॉन्ट टू रिवाइव द किडनी, देर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला. दैट इज वॉट वी डू वेन वी डायग्नोज यू. आपको डायग्नोज करते हैं और उसके बाद में वी गिव यू द राइट फॉर्मूला. कैन इट बी करेक्टेड? यस. नेक्स्ट. कैन इनिशियल पार्किंसंस बी क्योर्ड? देखो, पार्किंसन ये सवाल आप पूछे ना, यू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, थोड़ा सा ना आप गूगल में, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है और आप ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना एक एरिया में, वो उस एरिया में बंद हो जाते हैं. दे आर क्लोज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. यू कैन डू बेटर रिसर्च इन दैट एरिया बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड दैट स्ट्रीम. सो इफ यू हैव नॉट स्टडीड अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, यू हैव एन ओपन माइंड. सो व्हाई पार्किंसन हैपन्स? इन द लास्ट 100 years द एलोपैथिक कम्युनिटी हैव चेंज देयर स्टांसेस. अर्लियर देर यूज टू से समथिंग, नाउ दे आर सेइंग समथिंग डिफरेंट. एंड वॉट आई एम सेइंग इज दे विल डू यू टर्न एंड यू टर्न एंड यू टर्न, सो मेनी यू टर्न्स दैट अल्टीमेटली दे विल नॉट नो वॉट दे आर डूइंग. तो पहले ये लिवोडोपा ट्रीटमेंट से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. इनिशियल थिंग इज नाउ डेज इज लिवोडोपा ट्रीटमेंट इसको देते हैं, बट देर इज अनदर नैरेटिव विच सेज लिवोडोपा ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन इज नॉट गुड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. इन शॉर्ट पीरियड दे द पेशेंट माइट फील सम काइंड ऑफ अ रिलीफ, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड द इनफैक्ट वॉट आई वुड से the ability of the body to recover even goes down. So every treatment that is done on you, it is basically hitting the ability of the body to cure itself. So what we are basically killing is human body's own potential to recover. If we do that, I don't know what will help us recover. Only your body can recover. Nobody else, nothing else can help you recover. So, it is basically, in one word, agar main isko define, again, I am giving a kind of a very intellectual lecture. Iska kuch bhi kaam nahi aayega. But we want information. In the last 100 years, Google is filled with information. We can't even create one disease with that information. So we have gone worse. Body ka flow hota. There is a downward flow of your body. Whenever you eat food, it has to go down. So the flow of food in your body is always downwards. Now, if the downward flow is not okay, especially people who are into vata kapha, or where the nature of the body is vata kapha, then what happens? The flow, downward flow, doesn't happen very easy. So there is always an upward tendency, the upward flow tendency, which actually gets established after long period of time. Because in people who are suffering from long-term constipation, the upward flow tendency increases, and what happens? It impacts the brain. This is the fundamental why Parkinson happens. So what is the cure? If we improve the downward flow of the body, Parkinson will become fine. So if you define a problem correctly, you will have a solution. In allopathy, there is no definition of any chronic ailment. Why diabetes happen? Nobody knows.
Why blood pressure happen? Nobody knows. Why heart disease happen? Nobody knows. Why cancer happen? Nobody knows. Why thyroid happen? Nobody knows. Autoimmune disorder. And you just can go on. People who can't even define a disease are treating every kind of disease across the globe. What kind of world we are living in? और इसको सोचते भी नहीं है, जिनको प्रॉब्लम ही नहीं मालूम वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं दुनिया में। उनको जाके बोलो डायबिटीज को नहीं ठीक नहीं होता, पर ट्रीटमेंट तुम्हारा हम ही करेंगे। ऑब्वियसली द होल ह्यूमैनिटी इज बिकमिंग गेटिंग इनटू डिजीज बिकमिंग इनकेपेबल। ये बहुत हो गया, मूर्खों की बात मानेंगे तो दुनिया जो है वो सुधरने नहीं वाली है। ये फिरंगी दुनिया के सबसे मूर्ख प्राणी हैं। होश में आइए, आप लोग भारतीय हैं, यू आर इंडियंस, कम टू सेंसेस, है ना। आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, कम आउट ऑफ इट, बिकम मोर सेंसेबल टुवर्ड्स लाइफ, सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइफ। देर आर इजी ट्रीटमेंट्स विच इज अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू एक्चुअली ओपन अप योर माइंड। Apart from that, we have to do lot of research into alternative therapy area. Lot of research is needed. Bilateral foot drop cure हो सकता है क्या? कुंभक से कितना टाइम लग सकता है? कुंभक से आप मान के चलो, आप एक साल का टारगेट बना के चलो, क्योंकि न्यूरोपैथी न्यूरो डिसऑर्डर होता है। जो भी न्यूरो डिसऑर्डर है, ऑलवेज टेक अ लॉन्गेस्ट टारगेट। एक साल का टारगेट लेके चलो, ठीक हो जाएंगे, पहले ठीक हो जाएंगे, मगर अगर थोड़ा लंबा भी समय लगा तो घबराने की बात नहीं है, ठीक तो 100% हो जाएंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैंने बता दिया कि डू यू थिंक वी शुड नॉट डू योगा इफ वी आर डूइंग कुंभक? नहीं नहीं नहीं, वी विल नॉट स्टॉप यू। देखिए, हम तो दवाई भी आपको रोकने के लिए नहीं बोलते, क्यों? हमने थोड़ी दिया। आपको योगा सीखने का मन है, करो ना। योगा अल्टीमेटली फिजिकल एक्टिविटी। देखो, कोई योगा तो करा नहीं रहा आपको, कोई मुक्ति तो देगा नहीं आपको, समाधि तो देगा नहीं आपको। तो ऑन द नेम ऑफ योगा, इफ यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, इट्स गुड। भाई, नाम ही तो योगा रखा हुआ है ना उसका, बेसिकली योगा तो कर नहीं रहा है ना, समाधि में तो जाएगा नहीं, कोई भी नहीं गया योगा करके। तो इट बेसिकली एन अमेरिकन फॉर्म ऑफ योगा दैट यू आर डूइंग, इट्स ओके। अगर एक्सरसाइज ही है तो क्या बुरा है? फिजिकल एक्टिविटी इज नेवर बैड, ओवर एक्टिविटी इज बैड। ज्यादा मत करो, कम भी मत करो, ज्यादा भी मत करो, बैलेंस में करो। तो क्या योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपकी इच्छा है, आप करो ना, हम तो मना नहीं करेंगे, विल नॉट से नो। हम और चीज के लिए मना नहीं करेंगे, हम बोलेंगे गिव योर बॉडी अ लिटिल टाइम एंड वर्क अपॉन द बॉडी। तो आप कुंभक करिए, कुंभक बहुत पावरफुल है। कुंभक आप किसी ने योगा किया? हमारे पास में बहुत लोग हैं जो योगा करके आते हैं, दे डू कुंभक एंड से इट्स मोर पावरफुल, इट्स लाइक प्रिसाइज ट्रीटमेंट, तो अच्छी बात है। हाँ, ये भी एक और चीज है, बिकॉज इट इज मोर पावरफुल, मेनी पीपल ड्रॉप इट, वो इसको रख ही नहीं पाते अपने जीवन में साथ में। तो ऐसा ना करें, किसी चीज को अगर बहुत पावरफुल चीज आपको दी है तो उसको ठीक से संभालेंगे, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। योगा आपको करना है करिए, जो मर्जी करना है, आपको स्विमिंग करना है करिए, आपको खेलना है खेलिए, जो मर्जी करिए, बट अपने शरीर के अंदर काम का जरूर करिए, वो तो कुंभक ही करेगा ना। स्वामी जी, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोडोंटिस्ट सजेस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स सो द टीथ हैज नो सेंसेशन? इसमें बहुत ये सवाल बड़ा डाइसी है और इसका आंसर भी बड़ा डाइसी। रूट कैनाल कैनाल ट्रीटमेंट जो है ना, ये बहुत लोगों को सूट नहीं कर सकता, और कई लोगों में लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए? किसी चीज को लंबे समय तक खींचने की बजाय आप उसे निकलवा देना। इतना कॉस्मेटिक आप, इफ यू आर टू कॉन्शियस अबाउट कॉस्मेटिक थिंग, you can always do an implant, it is better to pull off the
टूथ एंड डू एन इम्प्लांट देर, वहां पे इम्प्लांट डाल दो, वो ज्यादा बेटर है। आप किसी चीज को खुला छोड़ देते हो फॉर इन्फेक्शन टू मैनिफेस्ट, टू हैपन इन द रूट, उसको अगर छोड़ देते हम तो आपका मुंह जो है ना पूरे शरीर को इम्पैक्ट करता है। योर माउथ एक्चुअली इम्पैक्ट द होल बॉडी। सो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करा रहे रूट कैनाल, वी आर नॉट डूइंग रूट कैनाल, सो व्हाट डू वी से, इसके बारे में क्या बोले। बट इफ यू डू कुंभक, व्हाट हैपन्स इज द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू हैंडल इन्फेक्शन इंप्रूव्स। तो ये हम बोलेंगे ये जरूर करो, बाकी आप जो मर्जी करो ये जरूर करो, ठीक है ना। तो कुंभक जरूर करो, बाकी आप जो करो, आपके अगर नुकसान भी होगा तो कम होगा। जी Then severe obstructive apnea be cured with Kumbhak therapy. Please guide. My सीवियर, father is. हाँ सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, वन थिंग इज इफ समबडी है इज अ कफ प्रकृति पर्सन, अगर किसी का कफ प्रकृति, किसी का वेट ज्यादा है या फिर उसके स्किन में चमक ज्यादा है ना, क्लियर स्किन वाले लोग वो सब कफ प्रकृति के होते हैं, उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन का चांसेस। इसे श्लेष्म कहते हैं, कफ कहते हैं, कफ ऑब्स्ट्रक्शन करता है। नाउ हाउ कफ कैन एक्चुअली मेल्ट डाउन इन योर बॉडी, हीट से, गर्मी से आपके बॉडी में कफ मेल्ट डाउन होगा। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला ट्रीटमेंट, शरीर में गर्मी बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे गर्मी? कुंभक। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? कुंभक। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट, बाहर से कुछ सपोर्ट ले लिया। अगर ऑब्स्ट्रक्शन उनके चेस्ट में है तो नेबुलाइजेशन करेंगे, चेस्ट कफ निकलेगा तो उनको सोने में आसानी होती है। शरीर से में गर्मी और तरीके से कैसे बढ़ाएंगे? हाउ इंक्रीज द हीट ऑफ द बॉडी? बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? डोंट गेट योर सेल्फ टू टायर्ड, अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं है, ज्यादा थकाएंगे तो एपनिया, स्लीप एपनिया होगा। तो बहुत ज्यादा नहीं थकाना, मगर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना, ऐसा भी नहीं। एक्टिविटी करें, पहले तो बता दिया कुंभक करें, एक्टिविटी करें और ज्यादा ना थकाएं। चौथी चीज, फोर्थ थिंग, ऑलवेज यूज सम हीट जनरेटिंग आयुर्वेदिक स्टफ, किसी वैद्य से सलाह लेके और शरीर में गर्मी बढ़ाए, ऐसा कोई एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आप अपना लें जिससे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें, श्वास उठा रस है जो कि लिया जा सकता है, तो मगर वैद्य की सलाह आप ले लें, उनसे ले लें ऐसी कुछ चीज, तो स्लीप एपनिया कुछ समय में ठीक हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देर कैन बी, यू कैन पुट द पर्सन इन द राइट कंडीशन, घर हमेशा वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रकृति के नजदीक जाना चाहिए, थोड़ा समय गुजारना चाहिए, फूड में फ्रेश चीजें अगर लेंगे तो वो हेल्प करता है। 50% ऑफ योर फूड शुड बी फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स। अगर ऐसा करेंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ फूड शुड बी रॉ फ्रेश, ऐसा यूज करेंगे ना तो आपके शरीर में एनर्जी जो है एकदम से सडनली डाउन नहीं होगा, तो स्लीप एपनिया में वो हेल्प करता है। मेंटली अगर आप अपने को साउंड रखेंगे, लाइक डोंट कीप थिंकिंग अबाउट स्टफ, कुछ समय गुजारें ऐसा वेयर यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ चैंटिंग, कीर्तन, भजन और सम काइंड ऑफ अ फेस्टिव एक्टिविटी, ऐसा कुछ अगर आप एंगेज करेंगे जिसमें आपको खूब आनंद आ रहा है, मन शांत हो रहा है और खूब प्रसन्न हो रहा है, तो स्लीप एपनिया कम हो जाएगा। ये सबसे पावरफुल मेथड है, जो सबसे बेकार लग रहा है ना आप लोगों को, वो सबसे पावरफुल मेथड है। Can unilateral tinnitus be cured? देखो नाम तो आप कितना अच्छा अच्छा लेके आ रहे, यूनिलैटरल टेनाइटिस, ये बोलने के बाद बोलते हैं ठीक तो नहीं होता जी। ये नामकरण करने में अंग्रेज ना फिरंगी बड़े तेज हैं, हर चीज का नाम रख देते हैं।
कहां हम कुछ भी नहीं करते। यस, टेनाइटिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन द कॉकलिया ऑफ योर ईयर। आपके कान में ना कॉकलिया एक नर्वस रिंग शेप स्ट्रक्चर है, वेयर देर इज इट इज फिल्ड विथ सम फ्लूइड। इफ द प्रेशर इज नॉट फाइन देयर, अगर प्रेशर ठीक नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन, द फ्लूइड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विल गिव यू अ सेंस ऑफ साउंड और अ सेंस ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर वहां का ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा, कुंभक से ठीक हो जाता है। How long to cure rheumatoid arthritis? रिमोटाइड, वंस अगेन आई सेड डोंट टेक अ शॉर्ट टारगेट, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन इट कैन बी क्योर्ड इन 6 months, बट आई वुड रादर से ऑलवेज टेक ए लॉन्गेस्ट टारगेट, 1 year, 1 year, एटलीस्ट 1 year यू टेक अ टारगेट ऑफ 1 year एंड यू विल सी ऑलमोस्ट लाइक द मेजॉरिटी, द मेजर परसेंटेज ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। Google says patients of BP and thyroid should not go for Kumbhak. Please advise, Swami ji. हाँ तो गूगल को बोलिए आपको ठीक कर देंगे, हमारे पास तो ठीक हो जाते हैं। हम तो थायराइड का प्रोग्राम है, बहुत लोग ठीक हो गए थायराइड से। तो केवल और केवल कुंभक ही क्योर है। हाँ फार्मा कंपनी बोलेगी कि भाई कुंभक मत करो क्योंकि उनका धंधा चौपट हो रहा, तो आपको ठीक होना नहीं होना यू विल हैव टू डिसाइड। ओके, दिस डेसिकेशन चेंजेस डिफ्यूज डिस्क बल्ज विद पोस्टीरियर एन्युलर टियर एंड बायलेटरल फेसेट आर्थ्रोपैथी एट L5-S1 लेवल एंड द बायलेटरल फेसेटल आर्थ्रोपैथी एट L4-L5 लेवल, क्या ये ठीक हो सकता है? भाई एक अनपढ़ स्वामी के सामने आप ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, मुझे तो एक रत्ती नहीं समझ में आया कि क्या बोला। प्रॉब्लम बता दो जी सीधी सीधी बात। डिस्क बल्ज के बारे में मैंने बताया हुआ है, स्पाइन के बारे में बताया हुआ है। सी दीज आर गुड वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्द हैं, मगर ये आपको ठीक नहीं कर सकते। आप मुझे बता दो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूंगा ठीक कैसे होना है ना, ये सब बोलने से ठीक नहीं होता। कैन बट वर्टिगो क्या बी दिक्कत है, ट्रीटेड? आई हैव टॉक्ड अबाउट स्पाइन इश्यूज, यू कैन लिसन टू इट अगेन। वर्टिगो तो अभी बताया ना, वर्टिगो हैपन्स, सी देर इज अ एन ऑर्गन इन साइड योर ईयर कॉल्ड कॉकलिया एंड देर इज अ फ्यू फ्लूइड इन साइड। इफ द फ्लूइड इज नॉट, द फ्लूइड प्रेशर इज नॉट प्रॉपर, देन इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डीरेंजमेंट और इनस्टेबिलिटी। वही तो है, उसी से वो उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस गोपी जी पूछ रहे तो हो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस चुका बता ही दिया है, है। एनी काइंड आर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस कह लो, अब लोकलाइज्ड चीज को हम स्पॉन्डिलाइटिस बोल देते हैं, बट एनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैन बी करेक्टेड बाय करेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म एंड द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी विच गेट्स करेक्टेड बाय थ्रू कुंभक। कुंभक से अगर आप ये मेटाबॉलिक और इम्यून रेस्पॉन्स ठीक करेंगे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, वो ठीक हो जाए। एनी फूड रिस्ट्रिक्शंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रोग्राम ड्यूरेशन? यू नो, ऑलवेज थिंक समबडी इज रेस्ट्रिक्टिंग यू फॉर फूड, बट हु गिव्स यू द ट्रिगर फॉर फूड? खाना है नहीं खाना है कौन बताता, आपका शरीर बताता है ना। तो एक्चुअली योर बॉडी डज अ रेस्ट्रिक्शन यू डोंट फॉलो, तो आपको अपने बॉडी का रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना चाहिए। वेन एवर द बॉडी सेज आई एम हंग्री एंड आई वॉन्ट टू ईट दिस पर्टिकुलर टेस्ट, तो गो टूवर्ड्स नेचर, वॉट इज द फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफ दैट टेस्ट, ईट दैट ओनली वेन यू आर हंग्री, दैट्स ऑल। ये सबको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम कोई फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं बताएंगे, वी विल टेल यू सर्टन गाइडलाइंस विच एवरीबडी हैज टू फॉलो, एनी वे एवरीबडी हैज टू फॉलो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। Somebody is asking, अष्टांग चिकित्सा मीन्स?
अस्थान चिकित्सा बेसिकली मीन्स व्हेन योर बॉडी गेट्स फॉर्म्ड, देर आर 8 लेवल्स ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. बेसिकली लाइफ इन इट्स फिजिकल फॉर्म गो थ्रू 8 लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग. दैट इज वाई वेन यू हैव टू रिवाइंड ऑल्सो यू हैव टू गो टू 8 लेवल्स ऑफ रिवाइंडिंग द और अन द प्रोसेसिंग. तो जब आप समाधि भी जाना चाहते हैं तो व्हाट डू यू डू, अष्टांग योग. व्हेन यू वांट टू कम टू लाइफ, अष्टांग यू हैव टू फॉलो द अष्टांग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द 8 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 8 लेवल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर लेवल देन द फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी विल हैव सम डिफेक्ट्स or some problems. So correcting at 8 levels is the right method of treatment of any kind of physicality. So Ashtang Chikitsa means correcting it to the core, from the outward to the very core of your formation of life, of the process of formation of life. That is Ashtang Chikitsa. Can a heart patient do Kumbhak? Heart patient must do Kumbhak. Compulsory hona chahiye unko. हार्ट पेशेंट तो ठीक हो जाएगा कुंभक करेगा तो. एंड वी हैव मेनी पीपल हु हैव कम आउट ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू टू और थ्री व्हाट यू कॉल एज एंजियोप्लास्टी. सो वी रन अ हार्ट प्रोग्राम वेयर पीपल हैव कम आउट, दे बिकम सो केपेबल दैट दे कैन बेयर 3-3 हार्ट अटैक्स इन अ सिंगल डे, नथिंग हैपेंस टू देम. तो कुंभक ही हार्ट अटैक से बचा सकता है आपको, और कोई नहीं बचा सकता. And there is going to be a U-turn, ठीक है, मेरा prediction आप याद रखिए, after some years angioplasty ban होना चाहिए. Total hysterectomy के बाद health deteriorate हो गई, severe backache, knee pain, knee problem, not feel good or energy, feel less for work. ऐसा है कि हाँ, ऐसा है ना, हमारे शरीर में कोई भी चीज फालतू नहीं होता, ये बात आपको समझना पड़ेगा. हिस्टेरेक्टॉमी तो कॉमन बना दिया है कि कर दो जी, कुछ नहीं होता इससे. नाउ द हार्मोन फ्लो इन योर बॉडी ऑलवेज हैपन्स व्हेन समथिंग, सम ऑर्गन अट्रैक्ट्स और नीड्स दैट हार्मोन. बच्चे को जब जरूरत होती है, जब चिल्लाता है तब माँ दूध देती है उसको. योर बॉडी ऑल्सो हैज ऑर्गन्स विच डिमांड सर्टन हार्मोन्स, ओनली देन हार्मोन गेट्स रिलीज्ड. इफ यू कट ऑफ दैट ऑर्गन the hormonal flow will get impaired, it will get deviated, and if your hormone system gets deviated, how can you be healthy? Multiple problem to aane hi wala hai na. So we have to actually understand life from various perspective. Only one way of linear way of understanding life hasn't helped in the last 100 years, it will never help. Humko aur bhi tarike se jeevan ko dekhna padega. क्या करेंगे फिर, टॉलरेंस बढ़ाएंगे अपना, इंक्रीज द टॉलरेंस एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी. हार्मोन कैसे फ्लो होगा, प्रेशर आर्किटेक्चर में फ्लो होगा ना, प्रेशर मैप में फ्लो होगा. तो प्रेशर मैप रिक्रिएट करेंगे तो हार्मोन फ्लो दोबारा से रिस्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड देन यू विल बिकम बेटर, और अच्छे हो जाएंगे फिर. अभी के मुकाबले में तो आपका प्रोग्नोसिस या आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. ओनली कुंभक और त्रिबंध कुंभक ना, बंद इज डिफरेंट. बंद इज यूजली फॉर डायरेक्टिंग एन इम्पैक्ट, है ना. जैसे अगर आप हाथ उठा लें, अगर आप हाथ उठा लें, दिस इज वन काइंड ऑफ बंद. आप सिर्फ पीछे कर लें, अनदर काइंड ऑफ बंद. आप दोनों हाथ को बांध लो, अनदर काइंड ऑफ बंद. सो इन टर्म्स ऑफ वेरी सटल एनर्जी देर आर 3 बंद, बट देर आर एक्चुअली 72,000 बंद. 72,000 बंद होते हैं, मगर आसान करने में तो कुछ जाता नहीं है, तो 3 बंद बना लो. 3 बंद आपने पढ़ लिया होगा कहीं पे. हम भी इसको यूज करते हैं, वी ऑल्सो यूज दैट, बट इट इज बेसिकली टू डायरेक्ट एन इम्पैक्ट. तो कुंभक का इम्पैक्ट डायरेक्ट करने के लिए वी यूज बंध, बट कुंभक कैन बी डन विदाउट बंध. आप बिना बंध के कुंभक भी कर सकते हैं. इनफैक्ट कुंभक कैन बी डन विदाउट एन एफर्ट. So there is something called as Kaivalya Kumbhak,
ये जो प्रकृति कर रही है बेसिकली, उसमें आपका रोल नहीं होता, उसमें जो ब्रह्मांड है उसका रोल होता है। तो कुंभक इज अ वेरी वाइड एरिया। इफ यू स्टडी कुंभक फॉर 100 ईयर्स तब भी आप नहीं कर पाएंगे पूरा। सो कुंभक इज दैट ग्रैंड। वी हैव लॉस्ट दिस होल साइंस। इट इज टाइम टू रिवाइव इट, बिकॉज दिस कैन बी द मोस्ट पावरफुल मेथडोलॉजी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। How much time should we practice every day? सी हु शुड यू आस्क, ये सवाल आप हमेशा याद रखिए। आई हैव टोल्ड यू दिस, हु शुड यू आस्क व्हाट टू डू, योर बॉडी। किसको पूछना? अपने शरीर को। इनिशियली यू विल सी यू विल नॉट बी एबल टू बेयर 1 आवर ऑफ कुंभक और इवन हाफ एन आवर ऑफ कुंभक। सो यू स्टार्ट विथ वन प्रैक्टिस, अ 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस, देन स्लोली पुट अनदर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड देन अनदर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो यू स्टार्ट विथ 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स ऑफ कुंभक। वो भी अगर बेयर नहीं कर पा रहे, डू इट एज माइंडली एज पॉसिबल। यू विल सी यू विल इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स एंड देन यू कैन पुट अनदर सेट। बट एटलीस्ट आइडियली स्पीकिंग है ना, आप ये मान लीजिए 1.5 मंडला, 48 मिनट्स प्लस 24 मिनट्स, 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली। अगर इतना करेंगे तो देर विल बी वेरी फास्ट चेंज यू कैन अचीव, यू कैन अचीव योर टारगेट वेरी फास्ट। कम से कम इतना होना चाहिए। बट टू स्टार्ट विथ यू डू जस्ट स्टार्ट विथ, वी टीच यू 3 थिंग्स, अंगन्यास, मर्म विन्यास एंड कुंभक चिकित्सा, कुंभक थेरेपी। यू स्टार्ट विथ कुंभक चिकित्सा, थ्री देर आर 3 प्रैक्टिसेस इन इट। देन आफ्टर फ्यू वीक्स यू पुट अंगन्यास एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स व्हेन योर बॉडी बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल, अजाइल, एनर्जेटिक, दे कैन यू कैन यूज द बॉडी मूवमेंट हठ और मर्म विन्यास, वेयर यू होल्ड योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर रेशियो विथ अ बॉडी मूवमेंट, विच कैन बी डन इन द एंड वेन योर बॉडी इज दैट एनर्जेटिक एंड फ्लेक्सिबल। Can piles be treated or operation is a must? सी वंस पाइल्स हैज हैपन, वंस द मोमेंटम ऑफ डिजीज इज टू मच, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ सर्जरी। बट सर्जरी विल नॉट क्योर द पाइल्स क्रिएटिंग टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी। आपका शरीर जो पाइल्स बना रहा है ना, उसको ट्रीट करना जरूरी है। द फिजिकल थिंग वंस इट हैज हैपन्ड कैन बी मैनेज और यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ सर्जरी। बट द टेंडेंसी ऑफ पाइल, पाइल्स क्रिएटिंग टेंडेंसी ऑफ द बॉडी नीड्स टू बी करेक्टेड एंड दैट कैन हैपन थ्रू कुंभक। तो पाइल्स का टेंडेंसी आप खत्म कर सकते हैं। बहुत अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ सर्जरी ऑल्सो। If you miss some classes, do you teach again? There'll be recordings, so you can watch the recordings. Loose bodies in the knee, which locks my knees. न्यूरो इश्यू, इट हैज अ न्यूरो प्रॉब्लम इन द कोर। सो न्यूरो के बारे में बता दिया उसको, रीजनरेशन एंड देन द कंट्रोलिंग फैक्टर थ्रू कुंभक कैन बी अचीव। आपका कंट्रोल आ जाएगा वापस। Can thyroid be treated? वो तो पहले ही बता दे, थायराइड तो प्रॉब्लम इतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा बना दिया। Can celiac disease be cured? सीलिएक डिजीज कैन इजीली बी क्योर, आसानी से ये क्योर हो जाता है। ओके सो स्वामी जी, द क्वेश्चंस आर ओवर एंड टाइम भी काफी ज्यादा हो गया आज. हाँ वही वही मैं कह, देखो कोई भी चीज है ना, उसके पीछे का रीजन आप देख लीजिए। जैसे आप नए नए शब्द बोलते हैं, सीलिएक डिजीज इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स ना। तो जैसे मैंने बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स करेक्ट किया जा सकता है, तो
तो कोई भी चीज है ना उसके जस्ट गो इन द कोर ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ व्हाई इट हैज ओरिजिनेटेड. यू विल सी यू विल नो देर इज अ देर कैन बी अ ट्रीटमेंट बट यू माइट नॉट नो व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट. है ना क्या ट्रीटमेंट है ये आपको भी पता चल सकता है कैसे कर सकते हैं बट एग्जैक्टली क्या वो नहीं पता चलेगा. और वही चीज एग्जैक्टली हम यहां पे सिखा रहे हैं. इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू जस्ट वर्क अपॉन योर बॉडी यू कैन कम आउट ऑफ डिजीज. तो आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत आभार. आपका जीवन बहुत हेल्दी हो. बहुत ज्यादा आपका जीवन वैभवशाली हो सुखमय हो प्रसन्न हो ऐसी हमारी शुभकामना है. नमस्कार स्वामी. विल स्वामी जी डायग्नोस अस इन द क्लास. ये हम बता चुके हैं जो मेरा पार्ट था प्रेजेंटेशन का. तो स्वामी जी जो डायग्नोसिस फॉर्म आप फिलअप करेंगे वो स्वामी जी के पास ही पहुंचता है. तो स्वामी जी ही डायग्नोसिस करते हैं, स्वामी जी ही कस्टमाइजेशन करेंगे. शिखा जी, डू वी गेट टू इंटरेक्ट विद स्वामी जी ड्यूरिंग द प्रोग्राम? प्रोग्राम के दौरान नहीं, लेकिन बीच बीच में जैसे ही स्वामी जी फ्री होते हैं वो एक दिन के नोटिस पर आपको बुला लेंगे. एक स्पेशल वो रहेगा, लेकिन क्लासेस जो है कंडक्ट की जाएंगी मेंटर्स के द्वारा. ठीक है. हाउ कैन वी ज्वाइन? विल पोस्ट इन द ग्रुप. अनीता मैम, आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, तो एक बार मैं सभी आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रह गए हैं रिगार्डिंग द प्रोग्राम आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया. ओके. नेहा एक बार. हेलो हेलो जी हेलो स्वामी जी, आई हैव अ क्वेश्चन. स्वामी जी तो नहीं है स्वामी, आप पूछिए इस क्वेश्चन. स्वामी तो चले ओके. गए. आई एम सॉरी. व्हाट्स योर नेम? अनिल चौहान. अनिल चौहान. ओके अनिल चौहान जी, आई हैव अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस for the past 25 years, 20 to 25 years. I am now, my age is 56, and I've been suffering from it, rheumatoid arthritis from when I was 18 years old. Okay, but my story is a long one, sir. Is it okay for me to tell you everything? Or? No, no, it's okay. See, any kind of and for how long it may be problem, how so long the problem may be going on for. Okay. When you okay, start doing Kumbhak and these can be treated, not a problem. Okay. Kumbhak, is it an exercise that I do or what is it? No, these are advanced breathing techniques. And if you are in the group, okay. These are advanced breathing techniques to regenerate, to start the regeneration process of the internal organs. Okay. Most of the neuromusculoskeletal problems are degenerative in nature, meaning that the organs are getting weak. So through so the internal regeneration started, which leads to a cure or a treatment. So the problem that I've got currently is I've got lumbar spondylosis. That I got that because of I don't know why I had that. That attack of lumbar spondylosis. I've been suffering from lumbar spondylosis for the past 2 years, 2.5 years. It started in 2021, October 25th. That is, I remember the date, so I don't know. But you know something. I have rheumatoid arthritis. I was telling you that it started when I was in my 12th grade. Okay. I'm getting some disturbance, sir. Someone is speaking. Yeah. So with this rheumatoid arthritis I've been suffering, but I was managing it, but it went on well. But in 1994 I got married. I live in the US. Actually I was living in the US from 1992 to 2004. I was in the US. Then I got back to India in 2004, and from then onwards till date, I'm in India.
Okay, I came in 1994. I got married, and I came to India in 1997 for my father-in-law's 60th birthday. And that's when my life has changed. The first thing, what happened is, I came in 1997 to attend my father-in-law's 60th birthday, and then we went back to US again in a couple of months. Like, I came in. Yeah, just sorry to interrupt, Padma ma'am. You can take our number and you can discuss personally, because I think the webinar is already over and we just need to be very quick and short. Oh, okay. As you said you've got time. So okay. I'll just tell you in another second. I'll tell you what the problem, actual problem I got. I suffered from viral encephalitis. Oh, never heard about it. That's the reason I've got memory problem. I had a memory, my brain cells got damaged because of lumbar spondylosis. Not lumbar spondylosis, because of viral encephalitis. See, this program, again, this Ashtang Chikitsa program is for every type of neuromusculoskeletal problems. When we talk about the memory or the brain, it's also just a collection or a group of nerves. So this work, Kumbhak therapy works. And I'd suggest you to watch the webinar again, which we'll post in the webinar group also, the link of the webinar. Are you in the WhatsApp group? Yeah, I am. Okay. So we'll post a lot of testimonials, a lot of other related information. Okay. So please go through that. Yeah. Okay. So can you tell me which webinar do I have to watch? If you must be in the Ashtang Chikitsa webinar group, right? Yeah. And the link that is the Neha has just posted. This is the group that you must be in. So can you communicate. Can you please mail me that, sir, doctor? Can you please mail me that link? It's there in the chat. You just click on it, and you'll add it to the group if you're not there. Okay, doctor. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Okay. So we'll wrap up this webinar, because it's almost 9 o'clock. It's been 3 hours now. But if your question is not still answered, just post in the webinar group, and then we'll take and answer each and every question. If you are convinced, if you want to go ahead with this, you can enroll, and Neha will help you with enrollment, and she's shared the payment details in the group also. With this, we end this session. Thank you and namaskar.